मैंने बंद कर दिया है, मैंने बंद कर दिया था जी 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 जी, मैं अभी बात करता हूँ आपसे जी। ओके ओके। पंडित सर आपके यहाँ काफी मतलब लॉस हुआ है। हाँ डॉक्टर साहब, बहुत सीवियर लॉस। हिस्ट्री डिपार्टमेंट में कहने चाहिए कि दो हमारे जूनियर्स थे, बोथ हैव बीन राइट। जिब्राइल के अलावा और कौन साथ छोड़ गए हमारा? फैसल अजीज। अच्छा फैसल अजीज जी, भी यहाँ जिब्राइल के कंटेम्परेरी था एक्चुअली। डॉक्टर साहब प्रॉब्लम वहां दूसरी आई। हाँ दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के टीचर्स दे आर डेलिबरेटली बॉयकॉटिंग दी वैक्सीनेशन। और दूसरा जिब्राइल से तो मैंने 50 बार कहा था, वो प्रॉपर्टी डीलर बन गए थे आजकल बहुत बड़े। अच्छा अच्छा। तो कभी यहाँ पर कभी वहां पर कभी इसमें कभी उसमें, और मैंने कहा था भाई मैंने कहा ये मीटिंग्स मत करिए, अदरवाइज भाई कोई बाहर से आए सबर्बन एरिया से आपके पास कोई प्रॉपर्टी डीलर आए तो इट क्रिएट्स अ ट्रबल। और फिर वो अक्सर हमसे कहता था कि सर आप ये मास्क इतना ज्यादा क्यों पहनते हैं, क्या मोदी के गैंग में शामिल हो गए हैं? मैंने कहा भाई ऐसी बात मास्क तो वो ओवर एम्बिशियस था और इस टाइप की चीजों में ज्यादा घुस गया। क्योंकि डॉक्टर साहब ऐसा है कि न जाने किस किस कंडीशन से कौन कौन से लोग बाग आ जाते हैं। सही बात है। और डॉक्टर साहब आजकल जब ये कोविड स्टार्ट हुआ था उससे पहले आई स्टार्टेड माई आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ ग्वालियर फोर्ट। अच्छा। मैं दो बार गया बट इन हरी, तो आपसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। मुलाकात नहीं हो पाई जे 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 जे। अब की जब आऊंगा तो आपके पास आऊंगा। काफी श्योर श्योर श्योर। एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया उसका। मुझे बहुत खुशी होगी आप आइए, है ना। और डॉक्टर साहब को एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करिए, मैं भी इधर से आपको बहुत इसमें क्या कहते हैं बुंदेलखंड के लिए। जी जी जी। ऐसा है कि टू द लाइटर साइड, सफिया के लिए कुछ मत छोड़िए। सफिया ने तो कब्जा किया हुआ। सर नमस्ते, सुब्रमण्यम सर। कैसे हैं सर? आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मनीषा जी नमस्ते, आप दिख रहे हैं मेरे को? शारदा गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जी जी। आज क्या जल्दी घर आ गए या वहीं से कर रहे हो? नहीं, इन द ऑफिस। ऑफिस आप ऑफिस से ही कर रहे हो? ठीक है जी जी जी। ओके
सर मेरी आवाज आ रही है सुब्रमण्यम सर? सर आप आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। दलवीर जी नमस्ते। जी दलवीर जी नमस्ते। जी नमस्कार जी, कैसे हो? बहुत बस बड़े, आप कैसे हैं? बस जी दुआएं। बहुत दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं आपके। जी 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 बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहे हैं आप। कहाँ पोस्टिंग है अभी? पोस्टिंग कहाँ है अभी? अभी दिल्ली में ही है। दिल्ली में। हेलो हेलो नहीं, अच्छा एक काम करो, ज्यादा उसमें मत पड़ो, उसको मेल कर लो, व्हाट्सएप से अपने मेल पे ले लो, मेल खोल लो। अच्छा नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ कि मेल खोल लो उस पे, लैपटॉप पे इसको मेल पे भेज दो। हेलो सुनाई दे रहा है? नमस्ते मैडम, सुचेता मैडम। सुब्रमण्यम जी भी आपका इंतजार कर रहे हैं, जुड़ चुके हैं। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट माइक अनम्यूट करिए प्लीज। जी। बस मुझे एक ही आज चिंता है, वो अपने इंटरनेट को लेके है। तो मैंने साथ में आज थोड़ा सुबह से ही घर में कुछ अनस्टेबल है। हाउ आर यू सुबु? आई एम फाइन, नाइस टू सी यू। यस वंडरफुल, आफ्टर इयर्स। यस आफ्टर इयर्स, यू नो द लास्ट यू हैड कम टू JNU, यू गेव अ लेक्चर इन आवर JP नायक मेमोरियल सीरीज। आई थिंक दैट वाज व्हेन, बट वी हां हाउ हैव यू बीन? Oh, very fine. Really fine. You're in Hoshangabad? I'm in Hoshangabad. Okay, great. How's Rashmi? Rashmi is fine. I think she'll also be joining. Okay, wonderful. Okay, how's everyone there in CHS? How is everyone in CHS? Everybody is all right. It has difficult times, so you know how it is. Time. It's not so easy. but we have each other, Kumkum, you know, Mahalakshmi, and we, so at least we are able to somehow survive. are you coming to Delhi sometime? No, not in the near future. Yeah, not now. Okay. But
maybe when things cool down. Absolutely. संजय जी आप आजकल ये सेंट्रल इंडियन हिस्टोरिकल रिसर्च जो है जी, तो आप क्या इसमें करते हैं? मैम हम बहुत ज्यादा तो नहीं कर पा रहे हैं लेकिन फिर भी एनुअल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. अच्छा. और एक ISSN जर्नल भी निकाल रहे हैं इतिहास संशोधन के नाम से. बाय एनुअल है मैम ये. और कुछ पब्लिकेशन का भी वर्क है लोगों को मोटिवेट करके जो पुराने रिसर्च वर्क है उनको पब्लिश कराने का काम कर रहे हैं ताकि वो सोसाइटी में जाए. हेलो मैडम नमस्ते. नमस्ते कैसी हैं आप? राधा शरण बिहार स्टेट आर्काइव्स पटना से. मैं बिल्कुल पहचान रही हूँ. थैंक यू. जी 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 इसे मैंने कहा कि आर्काइव्स में बैठी हूँ मैं कैमरा ऑन करती हूँ. बिल्कुल अच्छा किया. तो तारा बाबू तो रिटायर हो गए बहुत साल पहले. जी 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 अभी है वो? जी जी अच्छा है. जी 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 मैं बिल्कुल ठीक हूँ. बस मेरे स्टूडेंट्स हैं तो आजकल की टीम जो बिहार पे काम कर रहे हैं तो वो फिर बताते रहते हैं कुछ ना कुछ. मैंने सुना बहुत अच्छी अब बिल्डिंग है और सब कुछ बहुत अच्छा है पर मैं आ नहीं पा रही. जी जी अच्छा अच्छा मैं चेक करूंगी जरूर. जी जी तो खुदा बख्श लाइब्रेरी की क्या स्थिति है अभी? सर ठीक ही है. इम्तियाज सर तो आते हैं बताते हैं. अच्छा पापा कैसे हैं? शारदा क्या कर रहे हैं पापा? सर ठीक अभी कुछ है. नया काम कर रहे हैं कुछ? शायद अभी ज्यादा बात नहीं हो पाती है. बहुत वीकनेस मेरे को कोरोना की वजह से हो गया तो वो भी बहुत कम हमसे बात करते हैं. जी इस वजह से अभी कुछ नया कर रहे हैं शायद. बुक कोई पब्लिश होने वाली है अभी प्रिंट में चल रही है. अच्छा वही कोशिश में लगे हुए हैं ग्रोसरी पर ही. मैम जवाहरलाल जी ने काफी काम किया है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में. और हर साल वो हिस्ट्री कांग्रेस में बिल्कुल रेगुलरली आते हैं विदाउट एनी गैप हर साल. उनको अच्छा ही नहीं लगता है इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस नहीं जाते तो दो साल से कम बैठे हैं. सही कहा आपने. अब ऑनलाइन होता है तो उनसे हो नहीं पाता है. हम सबको नमस्कार. नमस्कार नमस्ते. मैं देखी रही हूँ. हाँ टाइटल बहुत अच्छा रखा है ये दास्तान ए जिंदगी. मैडम मैं चारू चित्रा हूँ ग्वालियर से और हिस्ट्री की नहीं हूँ. अरे काश ये कोरोना नहीं होता तो ग्वालियर आना होता और बिल्कुल साथ बैठ के और पूरी बातचीत होती. वो और ही बात और ही दिन थे बस. और दिन थे. हाँ जी जी देखिए लेकिन वी होप कि मैडम हम लोग जल्दी इससे निकल कर आएंगे और ग्वालियर भोपाल दिल्ली में फिर से मुलाकातें होंगी. बिल्कुल होंगी जी जी सर. मंजू मैडम का फोन आ रहा है लगातार. मंजू मैडम ज्वाइन किया हुआ है मैडम ने? हाँ जी 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 ज्वाइन किया हुआ है. एक मैंने आज के लिए ना थोड़ा पीपीटी बनाया था. जी 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 मैंने सोचा चलो थोड़ा सा इजी हो जाता है. हाँ नहीं ठीक बात जी. तो बस वो ही देख रही थी मैं कि उसमें प्रेजेंट में ये अ विंडो या अ टैब कौन सा वाला होता है. चलो उस समय देख लेंगे.
किसी की हेल्प ले लेंगे आपने से। हाँ हाँ जी जी कोई बात नहीं, आप चाहे तो मुझे शेयर कर दीजिए तो मैं यहाँ से प्रेजेंट कर दूंगा। कैसे होगा ये? आप मुझे मेल कर दीजिए। अच्छा ठीक, अभी कर दें। जी जी किएगा जरा, आपके ईमेल पे भेजा है। जी जी मैं चेक कर लेता हूँ। मेल अभी पहुंचा नहीं है मैडम। चला तो गया, देख लेते हैं। जी जा तो चुका मेरी से तरफ से, एक मिनट हुआ भी रुक जाएगा। अच्छा रुकिएगा रुकिएगा, आप थोड़ा दोबारा बताएंगे अपना ईमेल? हाँ हाँ बोलिए। ईमेल दोबारा बताएंगे? मैम एस स्वर्णकार 222 वो गलती से मैंने अपने आप पे भेज दिया वो पूरा। एक बार होल्ड कर दिया। जी मैडम आ गया है। थैंक यू। हाँ आप ज्वाइन करिए, हम ज्वाइनिंग ले रहे हैं सभी के, ज्वाइन करिए आप। धर्मेंद्र आने वाले थे ना? हेलो नहीं, जो जूम नहीं है, गूगल है सर, गूगल मीट है। हाँ 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 नहीं, कई लोग ज्वाइन कर चुके हैं सर लिंक से। नहीं मैं तो बैठा हूँ, ज्वाइन करा, आप फिर से करिए, मैं ले रहा हूँ आपको। ठीक है।
फिर से करिए। धर्मेंद्र आ रहे हैं क्या? जी सर, वो कल उनको खजुराहो जाना पड़ा, किसी अचानक से कोई प्रोजेक्ट आ गया था सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वो नहीं आ पा रहे हैं। धर्मेंद्र जी, फोन आ गया था उनका। नाम तो बहुत ही बढ़िया रखे हैं, तो कोई आ रहा है बिंदास। बिंदास। जे जे। बिंदास स्टडीज फॉर यूजीसी यूजीसी नेट। आजकल ये ट्रेंड काफी चल रहा है। अच्छा जी, यूजीसी का या बिंदास होने का? बिंदास, बिंदास होने का। एक्चुअल में आज वर्किंग डे है, तो लोग समय पर नहीं पहुंच पा रहे। हेलो,
कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे आज के इस लेक्चर में जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने वाले हमारे साथीगण हैं, हमारे गेस्ट, वो इस प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर चुके हैं। और क्योंकि हम 11 मिनट ऑलरेडी लेट हैं, हम चाहेंगे कि आज का यह कार्यक्रम प्रारंभ हो, और इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम का संचालन करने वाली, इस कार्यक्रम की सूत्रधार डॉक्टर रंजना जैन, जो कि जबलपुर से हैं और इतिहास के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं उन्हें बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा कि प्रोफेसर सुरेश मिश्र मेमोरियल लेक्चर सीरीज के आज इस पहले व्याख्यान के कार्यक्रम का संचालन करें डॉक्टर रंजना जैन। सभी को मेरा प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। तो प्रोफेसर सुरेश मिश्र स्मृति व्याख्यान माला, जो कि आज हम 22 तारीख से प्रारंभ करने वाले हैं, इसका मेरे ख्याल से मेन थीम हमारे जितने भी इसमें उपस्थित सदस्यगण हैं उनको मालूम होगा, जो है रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, सोसाइटी एंड इकोनॉमी, ये इसकी मेन थीम है। इसके अंतर्गत जो है आज मैडम सुचेता कृपलानी जी जो है रिकवरी वॉइसेस ऑफ फ्रीडम एंड सॉरी मैडम, वो इतना वेल नोन नेम है, इतना प्यारा नाम है कि वो जवान पर आ ही जाता है। तो रिकवरी वॉइसेस ऑफ फ्रीडम लोकल एंड ओरल हिस्ट्री इनिशिएटिव्स इन इंडिया, इस पर आप अपना लेक्चर एक डिलीवर करेंगी, जिससे हम सभी लोग बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगे। मैडम को मैंने भोपाल में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में भी सुना था, तो मैं पहले से ही काफी प्रभावित हूँ। और जहाँ तक जिनकी मेमोरी में हम ये व्याख्यान माला आयोजित कर रहे हैं, तो उनके बारे में बताने के लिए तो अभी संजय सर बताएंगे, बाकी जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास उनके बारे में कहने के लिए इतने शब्द हैं कि शब्द ही कम पड़ जाते हैं, तो उसमें तो अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे संजय सर ही उसके बारे में बताएंगे। मैं कार्यक्रम की आगे की जो शुरुआत है, शायद मैडम चारू चित्रा अगर उपस्थित होंगी तो जो अगला काम है वो उनका है, हमारे वक्ताओं का परिचय देने का, तो मैं मैडम चारू चित्रा से अनुरोध करती हूँ कि वो आकर के आगे के कार्यक्रम का संचालन अपने हाथ में लें। बहुत बहुत नमस्कार सबको, गुड इवनिंग। और मैं यहाँ पे आज जो हमारे दो गेस्ट हैं उनके बारे में थोड़ा सा कुछ बताने के लिए उपस्थित हुई हूँ। आशा कर रही हूँ कि आप लोग मुझे सब सुन पा रहे होंगे। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएन सुब्रमण्यम जी कर रहे हैं, और सीएन सुब्रमण्यम जी मैंने नाम बहुत सुना हुआ है, सुब्बू 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 सर करके, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज उनसे रूबरू भी होंगी। आप डीयू और जेएनयू में हिस्ट्री से पढ़ने के बाद आपने एक बिल्कुल अलग ढंग का रास्ता चुना और एक एनजीओ एकलव्य उसके साथ जुड़ गए। एकलव्य एनजीओ का नाम महाभारत से लिया गया है, और जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि ये ग्राउंड लेवल तक शिक्षा पहुंचाने की बात करते हैं। शिक्षा पर सबका अधिकार है, अर्जुन का है तो एकलव्य का भी है, युधिष्ठिर का है तो एकलव्य का भी है। तो इसमें और ये प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स में नए कॉन्सेप्ट्स लेकर आता है ये एनजीओ,
और अगर हम सुब्रमण्यम सर की बात करेंगे तो वो इसमें खास तौर पर सोशल साइंसेज और हिस्ट्री के करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स में काम करते रहे हैं। 2018 में आप रिटायर हुए। मैं इमेजिन कर सकती हूँ या अनुभव कर सकती हूँ कि किस तरह का एक दिल्ली जैसे शहर से आके होशंगाबाद में किस तरह का जीवन आपने व्यतीत किया होगा। सर ये बहुत कठिन काम है, बहुत मुश्किल काम होता है। मैंने ऐसे लोग बहुत कम देखे हैं और मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर भी मिलना चाहूंगी। ये एकलव्य संस्था जो है वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट से भी जुड़ती है और फिर ग्राउंड लेवल तक चीजों को पहुंचाती है। और बड़े मैं देख रही थी आज बड़े इंटरेस्टिंग से इनके प्रोग्राम्स हैं, पढ़ो लिखो मजे करो, जश्न तालीम, मोहल्ला लर्निंग, एक्टिविटी सेंटर्स। तो सर आपका स्वागत है अध्यक्ष के रूप में आज इस कार्यक्रम में। आज के इस मेमोरियल लेक्चर में मुख्य वक्ता के रूप में सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से, हम सब अभी बात ही कर रहे थे उनके से, डॉक्टर सुचेता महाजन जी हमारे साथ में हैं। आप पीसी जोशी आर्काइव्स ऑफ कंटेम्पररी हिस्ट्री जेएनयू की चेयरमैन रही हैं, विजिटिंग प्रोफेसर रही हैं कॉलेज ऑफ उस्टर ओयो यूएस से, फेलो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला, फेलो रॉकफेलर फाउंडेशन बेल्जियो सेंटर, विजिटिंग प्रोफेसर मेजन डेस साइंसेस डी आई होम पेरिस, फेलो ऑफ द ट्रिनिटी लॉन्ग रूम हब आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन आयरलैंड। मैं सोचती हूँ कि सुचेता जी के डीएनए में ही हिस्ट्री है। वीडी महाजन जी को हिस्ट्री वालों ने तो पढ़ा ही है, मुझ जैसे व्यक्ति जो हिस्ट्री से कहीं संबंध नहीं रखता है उसने भी महाजन जी को पढ़ा हुआ है। तो मैडम आप हिस्ट्री में जिस स्तर का काम कर रही हैं, जिस ढंग से चीजों को कर रही हैं, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट 20th सेंचुरी का हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के बारे में आप बात करती हैं, इस दौरान नए ट्रेंड्स क्या हैं, सोशल चेंजेस जो हो रहे हैं, मूवमेंट्स जो हो रहे हैं, कनेक्टेड इश्यूज को पर आप बात कर रही हैं, आपकी बहुत सारी बुक्स हैं टुवर्ड्स फ्रीडम, डॉक्यूमेंट्स ऑन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल 1947, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन द इरोजन ऑफ कॉलोनियल पावर इन इंडिया, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, कंपोजिट कल्चर इन अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी, स्वाधीनता और विभाजन, एजुकेशन फॉर सोशल चेंज, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। किसी भी हिस्ट्री को जानने के लिए, पार्टीशन पे थोड़ा सा मैडम वर्क मेरा भी है, मेरा लिटरेरी वर्क है पार्टीशन के ऊपर, किसी भी हिस्ट्री को जानने के लिए अगर आप ओरल और लोकल चीजों को नहीं जुड़ते हैं तो मुझे लगता है वो, और किसी भी साहित्य को जानने के लिए भी अगर आप नहीं जुड़ते हैं ओरल और हिस्टोरिक लोकल बॉडीज से, तब तक मुझे लगता है कि उसकी गहराई तक, उसकी तह तक नहीं पहुंच पाते हैं। आज मैडम रिकवरिंग वॉइसेज ऑफ फ्रीडम लोकल एंड ओरल हिस्ट्री इनिशिएटिव्स इन इंडिया, इस पर ये आपका टॉपिक है लेक्चर का। और मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ शमशेर बहादुर सिंह जी की एक पंक्ति के साथ, बात बोलेगी हम नहीं, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। तो आज मैडम जब लेक्चर देंगी तो हम पता नहीं कितने रास्तों से जिगजैग करते हुए लेबरिंथ से निकलेंगे और बहुत सारी चीजों को जानेंगे और समझेंगे, इसका हमें इंतजार है। मैडम आपका स्वागत है। नाउ ओवर टू रंजना जी। रंजना मैडम एंड सोनिका सर, इसके बाद हमारे जो संजय सर जी हैं वो वक्ताओं का स्वागत करेंगे और उसी के तुरंत ही पश्चात वो सर के बारे में भी थोड़ा सर का परिचय देंगे। हालांकि वो सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन एक एक हमारे एक फॉर्मेलिटी है, उस फॉर्मेलिटी को पूरा करना जरूरी है। तो इसके बाद मैं आदरणीय संजय सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो वक्ताओं का स्वागत करें। थैंक यू रंजना मैम, थैंक यू चारू मैम। सुचेता मैम को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ केवल हिस्ट्री के ही लोग नहीं बल्कि अदर डिसिप्लिन के भी लोग जुड़े हुए हैं, जैसा कि चारों मैडम इंग्लिश से, होम साइंस से, मंजू मैडम हमारी संरक्षक हैं, चारों कटारे मैडम हैं जो जुड़े हुए हैं यहाँ पर, अलग अलग फील्ड से हैं इसमें, पॉलिटिकल साइंस से नीरज झा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इतिहास को समझने वाले, इतिहास के प्रति रुचि रखने वाले जो
लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस कारवां को आगे ले जाने में हमारी मदद कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि प्रोफेसर सुरेश मिश्र मेमोरियल लेक्चर सीरीज को चलाने का एक बीड़ा CIHRF ने उठाया है। आप लोग सभी ये जानते हैं कि 19-20 जून को हमने एक नेशनल लेवल का वेबिनार उनकी स्मृति में आयोजित किया था और उसे काफी सफलता भी मिली थी। सलील मिश्र जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े थे, देवेन चौबे जी हमारे साथ जुड़े थे वक्ताओं के रूप में, 120 मैडम स्पीकर्स थे उस दो दिन के प्रोग्राम में और करीब करीब 15 से 16 घंटे वो प्रोग्राम चला था और उसके वीडियोस YouTube पर हमने अपलोड किए हुए थे। तो निश्चित रूप से प्रोफेसर सुरेश मिश्र जी के लिए जैसा रंजना मैम ने कहा कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है मध्य प्रदेश के लिए, या हम यूं कहें कि मध्य प्रदेश और आसपास के जो हिंदी भाषी राज्य हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में प्रोफेसर सुरेश मिश्र एक इतिहासकार के रूप में स्थापित रहे हैं और निश्चित रूप से उन्होंने अपने जीवन काल में 85 वर्षीय जीवन काल में इतिहास की बहुत सेवा की। केस लाल एक जाना पहचाना नाम है, महाराज कुमार रघुवीर सिंह एक जाना पहचाना नाम है और BN लुनिया जी इतिहास के क्षेत्र में, ये तीनों नाम बड़े जाने पहचाने हैं और मुझे ये बताने में बड़ा फक्र महसूस हो रहा है कि डॉक्टर भगवान दास गुप्त के साथ सुरेश मिश्र जी भी इन तीनों ही महारथियों से, प्रमुख इतिहासकारों से मार्गदर्शन प्राप्त करने वालों में शामिल थे। महाराज कुमार रघुवीर सिंह ने उन्हें अच्छा मार्गदर्शन प्रदान किया। किशोरी शरण लाल जी से सुरेश मिश्र जी ने स्वयं शिक्षा प्राप्त की थी हमीदिया कॉलेज भोपाल में और उनका जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन अध्यापन करने में सुरेश मिश्र जी को काफी लाभ प्राप्त हुआ और उन्होंने अपने इस अकादमिक जीवन में अकबर नामक पुस्तक लिखी और अकबर से आगे चलकर वो शहजादा फिरोजशाह तक जाकर अपने इस मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन जो यात्रा है उनकी अकादमिक जीवन की उसको पूरा करते हैं। वो सुरेश मिश्र जी का जो विजन था उनका राइटिंग का, उसको अगर हम देखें तो आज जो मैम सुचेता महाजन मैम ने अपना टाइटल रखा है लेक्चर का, उससे कहीं मिलता जुलता भी हमें दिखाई देता है। स्थानीय इतिहास और क्षेत्रीय इतिहास को लेकर वो बहुत बात किया करते थे और अगर हम हिस्टोग्राफी की ओर जाएं, सुरेश मिश्र जी की लेखनी की तरफ हम जाएं, इतिहास विषय पुस्तकों को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि सुरेश मिश्र जी ने क्षेत्रीय इतिहास पर काफी ध्यान दिया था, गोंडों के ऊपर काफी लिखा उन्होंने। मैं यहाँ विद्यमान अतिथियों को बताना चाहूंगा कि प्रोफेसर सुरेश मिश्र जी ने गोंडों पर 4 किताबें लिखी और चारों किताबें काफी महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा 1857 ईस्वी की क्रांति को लेकर स्थानीय स्तर पर जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिनको कोई पहचान नहीं मिल पा रही थी, सुरेश मिश्र जी ने उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जाना, समझा और उन्हें पहचान दिलाने का काम किया। मध्य प्रदेश के सूरमा नामक जो उनकी पुस्तक है उस पुस्तक में ऐसे ही किरदारों को उन्होंने इकट्ठा किया था। तो प्रोफेसर सुरेश मिश्र जी के द्वारा जो लेखन कार्य किया गया था उसमें उस लेखन कार्य ने उन्हें एक अलग पहचान दी। अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि वे माइक अपना म्यूट कर दें। एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य प्रोफेसर सुरेश मिश्र जी ने जाते जाते किया, 2019 में उन्होंने बुरहानपुर नामक एक पुस्तक का लेखन किया था और उस पुस्तक को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कह सकते हैं कि बेहतरीन पुस्तक का दर्जा दिया जा रहा है। रिव्यू जो हमें हमारे पास आ रहे हैं उस पुस्तक के, तो निश्चित रूप से उन्हें काफी महत्व प्राप्त हो रहा है।
इसके अलावा अभी रिसेंटली प्रोफेसर सुरेश मिश्र जी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के लिए एक कोऑथरशिप में किताब लिखी थी, एक ग्रंथ लिखा था मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के न्याय व्यवस्था एवं न्यायालय, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है और ये माइलस्टोन है उनके लाइफ के, एकेडमिक लाइफ के। प्रोफेसर सुरेश मिश्र जी ने निश्चित रूप से अपने संपूर्ण जीवन काल में इतिहास को लेकर गंभीरता पूर्वक चिंतन मनन किया और अपनी अगली पीढ़ी को, बल्कि एक पीढ़ी नहीं बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि तीन चार पीढ़ियों को, क्योंकि वो 85 ईयर्स ओल्ड थे, उन्होंने तीन चार पीढ़ियों का मार्गदर्शन किया और उन्हें प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया कि इतिहास के स्थानीय स्तर पर आप चर्चा करें, आप शहरों की बात करें, आप गांवों की बात करें, आप मोहल्लों की बात करें, आप अपने परिवार की बात करें। उन्होंने खुद अपने परिवार का इतिहास लिखा, तो वो इस तरह से मोटिवेट किया करते थे। ऐसे हमारे आदरणीय श्रद्धेय प्रोफेसर सुरेश मिश्र जी कोरोना से ग्रस्त हुए और 22 अप्रैल 2021 को, अभी 3 माह पहले उनकी डेथ हुई कोरोना की वजह से। बड़ा दुखद समय था वो हमारे लिए। उनकी याद में हम इस स्मृति व्याख्यान माला को आयोजित कर रहे हैं, जिसमें आज मैडम सुचेता मैडम अपना पहला व्याख्यान देने वाली हैं। मैं सुचेता मैडम का इस कार्यक्रम में CIHRF की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे मार्गदर्शक सुब्रमण्यम जी हमारे मार्गदर्शक हैं होशंगाबाद से, वो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे CIHRF के मुख्य संरक्षक डॉक्टर पूरन सहगल सर मनासा से लोक संस्कृति के अध्येता हैं, काफी उन्होंने अपने जीवन में, वो भी 85 साल के हैं, अपने जीवन काल में लोक संस्कृति को लेकर उन्होंने बहुत लेखन किया है और लगातार वो लेखन कार्य कर रहे हैं। साल में 1 या 2 पुस्तकें उनकी लोक संस्कृति को लेकर आ जाती हैं। हम उन्हें नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। हमारे CIHRF के 2 अन्य संरक्षक इस कार्यक्रम में, इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रभास समीर अवस्थी जी, डॉक्टर मंजू दुबे मैडम, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। और स्वागत करता हूँ हमारे जितने भी साथी यहाँ मौजूद हैं विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न राज्यों से, उन सभी साथियों का मैं तहे दिल से, एक एक का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं डॉक्टर संजय कुमार सतपुली उत्तराखंड को आमंत्रित करती हूँ कि वो विषय व्याख्यान, जो विषय है, जो प्रसंग है व्याख्यान का, उसको एलोबरेट करने के लिए संजय सर को मैं इनवाइट करती हूँ कि वो आए और वर्तमान, आज जो इसका विषय लिया गया है इस लेक्चर का, उसको, उस पर थोड़ा सा वो प्रकाश डालें। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, आप मेरी आवाज जा रही है? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है। गुड इवनिंग एवरीवन। प्रोफेसर सुरेश मिश्रा स्मृति व्याख्यान माला की इस उद्घाटन प्रथम कड़ी के विद्वान अध्यक्ष प्रोफेसर CN सुब्रमण्यम, डायरेक्टर एकलव्य होशंगाबाद, एमिनेंट हिस्टोरियन कम कीनोट स्पीकर ऑफ दिस वेबिनार प्रोफेसर सुचेता महाजन, और इस पूरे कार्यक्रम के चीफ आर्किटेक्ट प्रोफेसर संजय स्वर्णकार, कार्यक्रम का संचालन कर रही डॉक्टर अंजना जैन, डॉक्टर चारू चित्रा मैडम, और इस वेव तकनीकी से वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हमारे ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स फिलोसफर्स एंड गाइड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। विषय की रूपरेखा प्रस्तुत करने का ये जो गुरुतर दायित्व है, इसकी कतिपय में अर्हता और योग्यता दोनों नहीं रखता हूँ, लेकिन एक अदने सामान्य इतिहास के पाठक के रूप में जो मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं, जो कुछ चिंताएं हैं, जो कंसर्न है, वह शेयर करना चाहता हूं।
और मैं समझता हूँ कि हमारे विद्वान स्पीकर और साथ ही साथ चेयर उन हमारे कंसर्न्स को अपने डेलिब्रेशंस में एक प्लेस देंगे. बेसिकली हिस्ट्री इज मिनिमली थ्री थिंग्स, व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन द पास्ट, व्हाट हिस्टोरियनशिप हैपेंड इन द पास्ट, एंड व्हाट इज द पीपल्स परसेप्शन ऑफ द पास्ट. यानी पास्ट भी कोई एक मोनोक्रोमेटिक या एक कोई मोनोकलर्ड एक हमारे पास कोई डेलिब्रेशन के रूप में नहीं आता है, बल्कि पास्ट का भी एक तीन वर्जन है. एक एक्चुअलिटी ऑफ द पास्ट, एक हिस्टोरियंस सेइंग ऑफ द पास्ट, और एक है कॉमन मैन्स परसेप्शन ऑफ द पास्ट. हिस्टोरियोग्राफी जो है वो बेसिकली जो लास्ट टू है, यानी हिस्टोरियंस जो टेक है पास्ट के बारे में और जो पीपल्स परसेप्शन है, उन दोनों को अपने में इंक्लूड करता है. बात रहे कि अभी तक की कंटेम्प्रोरी या कन्वेंशनल हिस्टोरियोग्राफी में पीपल्स वॉइस को वो स्थान नहीं दिया गया, और शायद लोकल हिस्ट्री और ओरल हिस्ट्री के माध्यम से वह जो एक गैप था, वह जो एक साइलेंसिंग थी डेलिब्रेट या नॉन डेलिब्रेट, उसको दूर करने का प्रयास किया गया है. पहली बार मार्क ब्लॉक ने द हिस्टोरियंस क्राफ्ट में दो पंक्तियां कही कि द लेमैन आर मोर अवेयर देन एवर बिफोर दैट दे आर मेकिंग एंड क्रिएटिंग हिस्ट्री. मार्क ब्लॉक स्पष्ट करते हैं कि अब एक लेमन जो कॉमन मैन्स है, वो इतिहास का निर्माता है, इतिहास का क्रिएटर है. और लगता है कि इस सूत्र वाक्य को बाद के हमारे प्रीसीडिंग सक्सीडिंग हिस्टोरियंस ने इसको फॉलो किया. अब बात रही कि लोकल जो वर्ड है, ये लोकेलिटी की जहाँ की बात करते हैं तो वह एक ज्योग्राफिकल कनोटेशन है, और ओरल की जब हम बात करते हैं तो वह एक अप्रोच या एक अल्टरनेटिव वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पास्ट है. मैं समझता हूं कि भारतीय जिसको कि एक सिविलाइजेशनल स्टेट कहा जाता है, जिसका कि एक बहुत ही लॉन्ग अनब्रोकन चेन रहा है, उस भारतीय इतिहास के बारे में एक जो हमारी भ्रांति कहें या जिसको कह सकते हैं कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग रही, कि भारतीय लोगों के पास इतिहास की एक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी या कोई प्रॉपर टूल्स ऑफ एनालिसिस नहीं था सोशल. लेकिन इस ये सारी भ्रांतियों के पीछे यह कारण था कि 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में यूरोपीय इतिहास लेखन ने भारतीय इतिहास लेखन को आत्यंतिक रूप से प्रभावित किया. और मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा कि 19वीं सदी के लास्ट डिकेड्स में और 20th सेंचुरी के अर्ली डिकेड्स में जिस विचारधारा ने भारतीय इतिहास लेखन को रूल किया, उसको इन्फ्लुएंस किया, उस पर एक डीप इम्पैक्ट डाला, वह था रांके का पॉजिटिविस्ट अप्रोच. और रांके का जो जर्मन इतिहास का रांके का जो इतिहास जो दर्शन है, वह संपूर्ण रूप से संदर्भ और आर्काइवल सोर्सेस के हैवी एक्सप्लॉयटेशन पर टिका हुआ था. और जहां तक बात रहे कि रांके की, तो रांके के दो शिष्य तो उससे आगे बढ़ गए, जिसमें कि फ्रांस के दो इतिहासकार हुए, एक का नाम था सेन्योवा और एक का नाम था लांगलुआ. उन्होंने तो एक प्रकार का प्रोफेटिक फतवा जारी कर दिया कि नो डॉक्यूमेंट्स नो हिस्ट्री, यानी अगर दस्तावेज नहीं तो इतिहास नहीं. यानी यह जो एक प्रोफेटिक जो एक सेंटेंस था, उसने भारतीय नहीं बल्कि विश्व जनगण के उन हजारों लाखों जनगण को इतिहास विहीन अतीत का दर्जा दे दिया, जिनके अभी तक कोई महावृतांत नहीं था, कोई पोथी थी, कोई ब्रेडिंग नहीं था, मिट नहीं. और भारतीय लेखन भी उसका पिछलग्गु बना रहा. 20वीं सदी के दो प्रोमिनेंट हिस्टोरियन थी जदुनाथ सरकार, जिनकी विद्वता, जिनका लेखन और जिनकी राइटिंग्स को आज भी एक बहुत ही फ्रूटफुल और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क अचीवमेंट रूप में माना जाता है, इन लोगों ने भी रांके के ही दर्शन को फॉलो किया. लेकिन ध्यान देने की जरूरत है कि भारतीय इतिहास में ओरलिटी का एक बहुत लंबा ट्रेडिशन रहा है. यूनेस्को जिस वेद को आज के डेट में, आज की तिथि में कहता है कि ह्यूमन लिटरेरी जीनियस का वह फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है. और ध्यान देने की बात है कि जिस वेद की हम बात करते हैं, वह सैकड़ों वर्षों तक वह ओरली ट्रांसमिट होता रहा,
और 14th सेंचुरी में शायनाचार्य के हाथ में आकर करके उसको कंपोज किया गया। अब बात रही कि ओरल हिस्ट्री के जो टूल्स हैं, एनालिसिस हैं, खास करके मॉडर्न इंडिया में जो हिस्टोरियंस हैं, जो कि इंटरव्यू को एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के रूप में यूज करते हैं ओरल हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में, तो एक बड़ा कैटेगोरिकल रेफरेंस मिलता है हमें ह्वेनसांग के डिस्क्रिप्शन में। ह्वेनसांग कहता है कि नालंदा महाविहार में प्रवेश के समय हमें वहां के दो विद्वान द्वार पंडितों स्थिरमती और गुणवती से बहुत ही कठिन, दुरूह और बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस का सामना करना पड़ा। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में नामांकन के लिए ओरल जो एक प्रकार टेस्ट होता है, ओरल टेस्टिंग, ओरल एग्जामिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, यह पहली बार बौद्ध साहित्य में हमें प्राप्त होता है। और यही हाल बुद्ध घोष भी लिखते हैं कि अनुराधापुर बिहार में जब मैं प्रवेश करने के लिए गया तो वहां भी द्वार पंडितों ने ढेर सारे मौखिक प्रश्न पूछे। और नालंदा महाविहार के बारे में तो कहा जाता है कि 10 में से 8 छात्र मौखिक में डिस्क्वालीफाई करने के चलते उस महाविहार में प्रवेश नहीं कर पाते। इस सिंह जब आता है भारत में तो वह कहता है कि वेद भी है, उसकी कोई हमारे पास पांडुलिपियां प्राप्त नहीं है। मैंने रेफरेंस दिया भारतीय इतिहास में एक फॉलो अप हो रहा था। मेरी आवाज जा रही है? अब आ रही है। हेलो, अब आ रही है सर। जी नहीं, ठीक है। एक यहाँ पर क्लाउड बहुत ज्यादा है इसलिए मौसम भी बहुत खराब है। बीच में कर रहा हूँ। ठीक मैं अपनी बात को कम शब्दों में कहना चाहूंगा क्योंकि समय की इजाजत नहीं है। मैक्स मूलर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अकाउंट है। अपनी पुस्तक इंडिया व्हाट कैन इट टीचर्स में मैक्स मूलर एक बात का उल्लेख करते हैं कि मैं ऑक्सफोर्ड में अपने ऑफिशियल चैम्बर में बैठा हुआ था और भारत के कुछ विद्वान पंडित आए और हमारे कमरे में प्रवेश किए और उनसे वेद पर चर्चा हुई। तो उनमें से जो अधिकांश जो आए थे उन सबों को संपूर्ण वेद कंठाग्र था। बिना उच्चारण दोष के हुए लगातार प्रवाह में पूरे वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर सकते थे। तो मैंने पूछा कि आपका यह जो उच्चारण है, आपका यह जो ज्ञान है, आपने कौन सी पांडुलिपि, कौन सा मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ा है? उन्होंने कहा कि मैंने वेद की पांडुलिपि देखी ही नहीं है। हमने गुरु शिष्य ट्रेडिशन में अपने गुरुओं से सीखा है, रट करके सीखा है, हमने आज तक कोई पांडुलिपि नहीं देखी है। हमारे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है वेद को जानने का। और उस बात को मैक्स मूलर कहते हैं कि उन्होंने मेरी पांडुलिपि में एक गलती निकाल दी बिना किसी अन्य पांडुलिपि को पढ़े हुए। तो लगता है कि भारत में एक जो ओरलिटी का ट्रेडिशन था कितना स्ट्रांग था। और अंत में मैक्स मूलर इस बात को कंक्लूड करते हैं कि मैं कहता हूं कि यदि भारत से सारी वैदिक पांडुलिपियां अगर विलुप्त भी हो जाए तो एक भी यदि श्रोत्रिय वैदिक अध्येता जीवित है तो पूरे वैदिक टेक्स्ट को वह रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है। अब बात रही ये ओरल ट्रेडिशन का जो हमारे पास एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिशन है। और सोशल साइंसेस में तो ओरल ट्रेडिशंस को, ओरलिटी को हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट ने अपने फील्ड वर्क में काफी यूज किया है। अब हिस्टोरियंस जो ओरल ट्रेडिशंस को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रिकवर करना चाह रहे हैं, उनके सामने एक दो समस्याएं हैं और जिस पर कि स्पीकर फोकस करेंगी। पहली बात तो यह है कि ओरल ट्रेडिशंस को हम अगर हिस्टोरिकली रिकंस्ट्रक्ट करना चाहें तो कितना हम पीछे जा सकते हैं, क्योंकि आज के कॉन्टेक्स्ट में केवल मॉडर्न इंडिया और कंटेम्प्रोरी इंडिया के इवेंट्स पर ही ओरल ट्रेडिशन या ओरल हिस्ट्री को हम रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। लेकिन क्या ऐसे कोई सूत्र हैं, कोई ऐसा एक फैब्रिक है जिसके द्वारा उस ओरल ट्रेडिशंस को ग्रैब करके हम पूरे इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का एक पैरेलल अल्टरनेटिव ढूंढ सके? और अंतिम शब्द और अंतिम वाक्य मैं ये कहना चाहूंगा कि चूंकि सुचेता महाजन की जो कोऑथर्ड बुक है इंडियन स्ट्रगल विद बिपिन चंद्रा, उसने एक पूरे जनरेशन को इतिहास की इंसाइट दी है, अंतर्दृष्टि प्रदान की है। हम लोग भी उसी किताब को पढ़ करके अपनी इतिहास दृष्टि जो कुछ भी बनी उसी से हम लोगों ने उधार लिया है। और उसमें 1500 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानियों का इंटरव्यू ये ग्रुप जो वर्क में जो है सुचेता महाजन उसकी पार्ट रहे हैं, उन्होंने लोगों ने कंडक्ट किया था। लेकिन एक जिज्ञासा है और उस जिज्ञासा का उत्तर भी मैं चाहूंगा कि आपने व्याख्यान में प्रोफेसर महाजन देंगी,
कि आखिर मॉडर्न इंडिया का जो इतिहास है वह क्यों आजादी और विभाजन के बाद आकर रुक जाता है, क्यों स्टॉप हो जाता है, उसके बाद हम किस भारत में प्रवेश करते हैं, इतिहास के चैप्टर मॉडर्न इंडिया के क्यों बंद हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि इन सब सारी बातों की विस्तार से हमारे विद्वान स्पीकर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये समय दिया और मैंने अपनी बात को आपसे साझा किया। थैंक यू। धन्यवाद संजय सर जी, आपने अपनी योग्यता और व्यक्तित्व के अनुरूप ही जो है व्याख्यान को यहाँ पर एलोबरेट किया हुआ है। और इसके बाद मैं रंजना मैम एक मिनट क्षमा चाहूंगा, बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझसे एक चूक हुई है। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर प्रोफेसर सुरेश मिश्र जी के परिवार के लोग भी मौजूद हैं, उनके भाई उमेश मिश्र जी ज्वाइन किए हुए हैं और उनकी बेटियां दामाद भी हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर हैं, तो मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जी कैरी ऑन प्लीज। तो ये जो आदरणीय मैडम का जो टॉपिक है रिकवरी वॉइसेस ऑफ फ्रीडम लोकल एंड रूरल हिस्ट्री इनिशिएटिव्स इन इंडिया, मुझे याद है सर हमेशा कहते थे, आदरणीय सुरेश मिश्र सर जी हमेशा कहते थे कि हमको मिनी से माइक्रो की ओर जाना चाहिए, मतलब मेजर वर्क काफी हो चुका है, माइनर वर्क भी काफी हो चुका है, अब हमको उसके और नीचे जाना चाहिए, छोटे छोटे टॉपिक्स पर हमको काम करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जबलपुर में ही कई गली कूचे हैं जिनके नाम ब्रिटिश ऑफिसर्स के नाम पर है, तो वो कहते थे कि उसकी तलाश करो, उसके बारे में खोजबीन करो, उसको जानो, उसके बारे में लिखो कि आखिर ये कौन थे, कैसे थे और इनके नाम के आधार पर नामकरण कैसे हुआ। इसका मतलब वो माइक्रो की बात करते थे, लोकल और ओरल हिस्ट्री की बात करते थे। और आज उसी विषय पर जो है मैडम यहाँ पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने वाली है। मैंने मैडम के फादर डॉक्टर बी डी महाजन को काफी पढ़ा हुआ है, उसके बारे में मैं मैडम का उद्बोधन समाप्त होने के उपरांत कुछ चर्चा जरूर करूंगी। अभी फिलहाल मैं डॉक्टर सुचेता महाजन जी को आमंत्रित करती हूं कि वो मुख्य वक्ता के रूप में इस प्रथम सीरीज को उद्घाटनकर्ता के रूप में अपने व्याख्यान को हम सबके सम्मुख प्रस्तुत करें। आदरणीय मैडम जी आपका स्वागत। सबको नमस्कार और खास तौर से मैं प्रोफेसर स्वानकर जी का मैं बहुत ही मैं एक क्या कहना चाहिए मैं आई एम ग्रेटफुल टू हिम दैट ही हैज इनवाइटेड मी टू गिव दिस लेक्चर। आई डिड नॉट नो प्रोफेसर सुरेश मिश्रा पर्सनली, बट उनके बारे में हमने ज़रूर सुना था और हमारी फ्रेंड थी ऋचा मल्होत्रा भोपाल से जिन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में काफ़ी कुछ लिखा, और उनसे भी सुरेश जी की बात हुई, और मेरी एक हाल ही में स्टूडेंट थी अंशु सलूजा, वो भी उनके काम के बारे में काफ़ी बात करती थी। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं अंग्रेजी में अपना भाषण जो है वो जैसे मैंने प्रिपेयर किया है मैं उसी में चलती रहूं, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे मैं कोशिश करूं हिंदी की तो वो भी हो सकती है, जैसे आपको ठीक लगे। तो अगर तो हिंदी की तरफ जाना है तो फिर वो जो पीपीटी बनाया है शायद वो ठीक नहीं रहेगा, या जैसे उसको ऑन कर लेते हैं और फिर आगे देख लेते हैं, मिक्स में चलेगा। तो आप जरा उसको जरा ऑन कर दे, ये ऑनलाइन की वजह से ही किया था मैंने पीपीटी, आमतौर से तो हम वैसे ही बातचीत ही करते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा ऑनलाइन में आदत पड़ गई स्टूडेंट्स के साथ कि ऐसा होना चाहिए थोड़ा आसान। विजिबल है मैम? हाँ बिल्कुल विजिबल है, तो अगर हम थोड़ा सा बड़ा इसको कर सकते हो ताकि आप लोग देख सकें इसको, तो ये देख लीजिए अगर आपकी तरफ से। हाँ पढ़ा जा रहा है क्या आपको? हाँ जी जी बिल्कुल। हाँ अच्छा ठीक है, तो टॉपिक तो कई बार बात हो चुकी है आप इसकी, तो सबसे ये आगे रुकिए जरा, तो वहां से कोई इसको आगे बढ़ाएगा या जी जी मैं बढ़ाऊंगा। हाँ तो फिर आप अगले स्लाइड पे आइए। हाँ जी। तो
आगा शाहिद अली बहुत जाने हुए पोएट शायर है, उनकी एक पोएट्री कलेक्शन है जिसका नाम है फेवेल, तो उन्होंने उसमें बहुत दिलचस्प तरीके से ये बात कही थी, माय मेमोरी इज अगेन इन द वे ऑफ योर हिस्ट्री, मेरी याददाश्त मेरी मेमोरी जो है वो आपके इतिहास के बीच में कहीं आती है। तो ये दो तरीके हैं मेमोरी वर्क जो जिसको हम ओरल हिस्ट्री भी कह देते हैं, मेमोरी स्टडीज कह देते हैं। तो कई बार उसको इतिहास के एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन या उसके ऑपोजिट देखा जाता है कि एक तरफ मेमोरी है और दूसरे तरफ इतिहास है, और इसी तरह से जो इतिहास है उसको हम एक मेटा नैरेटिव के रूप में देखते हैं कि एक ये एक जिस जैसे कि रंजना जी ने कहा कि ये एक मैक्रो लेवल पे है, इट्स अ मेटा नैरेटिव, और हिस्ट्री या इतिहास जो है वो हम उसे एक बड़े बड़े एच के साथ लिखते हैं, और मेमोरी जो है उसे हम एक छोटे म के साथ लिखते हैं, और आमतौर से ये जो एक छोटी आवाज है वो आवाज उन लोगों की जो कि हमारी समाज के बिल्कुल मार्जिन्स पे जो लोग रह गए हैं, ये उन लोगों की आवाज है। तो ये बात मैं शुरू में ऐसे ही कहना चाहती थी, आगे चलें। तो आप सब की तरह मेरा जीवन भी जो एकेडमिक जीवन रहा है वो भी मैं एक आर्काइव में ही रही हूँ, कलोनियल आर्काइव में रहकर ही, और जो रिटन वर्ड है लिखित जो शब्द है उसकी जो प्राथमिकता है उसी को लेकर हमने पढ़ाई की, उसी को लेकर हमने आगे अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया। तो इसलिए जब इस आर्काइव से आगे बढ़कर जब हमने कदम रखा ओरल हिस्ट्री की तरफ या जिसे हम मेमोरी वर्क भी कह सकते हैं, तो एक एरिया जो सबसे पहले हमारे सामने आया वो था हमारी आजादी की लड़ाई का एक जो एक क्षेत्र था, और वहां हमारी कोशिश थी कि जो लोग इस आजादी की लड़ाई में सक्रिय थे, जिन्होंने योगदान दिया, और आगे चलकर मेरे अपना काम जो कि पार्टीशन पे भी था, और वो जो सर्वाइवर्स थे पार्टीशन के, और यहाँ पर मेरी अपना परिवार भी था जो लाहौर से आया था, और कई कुछ उनके तजुर्बे उनके एक्सपीरियंसेस थे, तो उनके साथ भी मेरा अपना काम रहा। लेकिन आज जो मैं बात करना चाहती हूँ वो वॉइसेस ऑफ फ्रीडम के बारे में है, पार्टीशन का मुद्दा किसी और समय रखेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम इन आवाजों को रिकवर करते हैं, इन आवाजों को हम एक तरह से दर्शा सकते हैं दोबारा, उनको सुनकर आगे हम उनको सुनवा सकते हैं, तो वही लोग, केवल वो लोग नहीं है जो बिल्कुल मार्जिन्स पे हैं झाशिए पे हैं, लेकिन वो लोग भी हैं जो अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो कभी उन आवाजों को सुनने का हमें मौका नहीं मिलता। वो आवाजें जिनको शायद जैसे किसी ने कहा डिलिबरेटली या नहीं साइलेंस किया है, तो ये आवाजें भी जो है हमारे सामने आई। इतिहास का तो आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ इतिहास जो है अक्सर राइट विंग और दूसरी तरफ लिबरल सेक्युलर इतिहास के बीच में एक तरह का एक खेल चलता रहता है। जब राइट विंग सरकार आती है तो उनका पहला काम होता है कि वो आकर टेक्स्ट बुक्स को बदलना चाहते हैं, आजकल भी आप देख रहे हैं। मेरी समझ में वो लड़ाई तो हम उसमें तो हम सब साथ हैं कि वो सेक्युलर हिस्ट्री के लिए लड़ाई जो लड़नी है वो तो एक काम हमारा चल ही रहा है, आजकल हम उसमें बहुत बिजी हैं। लेकिन
जो जिसको हम कहानी कहते हैं, और कहानी कहाँ से आती है, कहानी मेमोरी से आती है, कहानी वो छोटी मेमोरी का म वाला मेमोरी जो है, और जो ओरल टेस्टिमनीज है, जो लोगों की जो बातें हैं, जो उनके व्याख्यान है, ये एक बहुत जबरदस्त एक प्लेटफॉर्म बन सकते हैं जिसमें हम ये जो नैरेटिव्स एक दूसरे के साथ कॉन्टेस्ट हो रहा है जिनके बीच में, और ये कॉन्टेस्ट और ये लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन क्या याद रखना है और क्या भुलाना है। मुझे लगता है कि कहीं और भी मैंने लिखा है कि पूरा इतिहास का और जो पास्ट है उसका जो प्रोसेस यही है, रिमेम्बरिंग एंड फॉरगेटिंग। अर्नेस्ट रेनन ने एक बहुत ही सुंदर लेख व्हाट इज अ नेशन में 150 साल पहले, फ्रेंच फिलोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये बात रखी थी कि नेशन क्या है। नेशन ज्योग्राफी नहीं है, नेशन बाउंड्री नहीं है, नेशन इकोनॉमी नहीं है, नेशन एक चाहत है, एक विल है लोगों की कि हम लोग साथ हैं। और ये पास्ट, ये विल, ये कैसे बनती है कि ये याद करके कि हम लोग जो है साथ चले हैं। और हमें क्या भुलाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने रखी थी कि बहुत से वाक्या है हमारी पास्ट में आते हैं जहां पर बहुत कट्टर लड़ाई है संप्रदाय के बीच में। उन्होंने फ्रांस की बात करते हुए उन्होंने प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक संप्रदाय के बीच में जो मेडिवल पीरियड की लड़ाई थी और बहुत ही खराब लड़ाई थी जिसमें बहुत मैसिकर हुए थे, तो उन्होंने कहा जब तक हम एक दूसरे को फॉरगिव नहीं करेंगे, फॉरगेट नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये नेशन जो है ये चल नहीं सकता। तो यही मैं पॉइंट यहाँ भी ये कह रही हूँ कि जो स्टोरी टेलिंग और ओरल टेस्टिमनीज है उनकी एक बहुत अहम एक उनका रोल है, वो ये है कि वो एक ऑफिशियल टेरेन से हटकर जो लोगों की जो बातें हैं, लोगों की जो याददाश्त है, वो आगे आ सकती है, वो टेस्टिमनीज आगे आ सकती हैं, और वो पास्ट की वो बातें आगे आ सकती हैं, ताकि हम जो है एक और लेवल पे जो है अपनी जो पास्ट का जो क्रिएशन है उसकी क्रिया जो है वो चलती रहे। स्वर्णकर जी आगे बढ़ाएंगे। क्या शायद डिस्कनेक्ट हो गया ऐसा? एक सेकंड रोक लेते हैं, देखिए मेरे पास तो अपना है ही, तो उसको मैं छोड़ देती हूँ। हाँ जी आप अपना स्क्रीन शेयर कर दीजिए। हाँ मैं अपना स्क्रीन शेयर कर दूँ, उसमें विंडो आएगा या अ टैब आएगा? अ विंडो ट्राई करो। आई थिंक संजय सोनकार जी का इंटरनेट इफेक्टेड है, ही हिमसेल्फ लेफ्ट द। No, that's okay. I'm saying, should I try present करने के लिए विंडो या टैब? I think I'll try a window. Windows से ही मुझे लगता है होता है। Windows से ज़्यादा ठीक रहेगा। Window try कीजिए, window. Madam, you do one thing. You play. First of all, you play the PowerPoint and then you share the window. अच्छा. All right. ठीक है, आई हैव ओपन द पावर पॉइंट नाउ। नाउ इट्स नॉट विजिबल, शेयर द, यू गो टू द मीटिंग एंड देन यू शेयर द स्क्रीन। ओके, आई एम इन द मीटिंग नाउ, आई शेयर द स्क्रीन। योर एंटायर स्क्रीन या अ विंडो? नहीं, द विंडो, विंडो, विंडो मैम। हां, विंडो, विंडो करिए। उसमें क्या है कि एक साइड में आपका रहेगा और वही देख। नहीं, मैं एक सेकंड।
जो ये कह रहे थे ना कि उसको खोलिए आप, वो तो मैंने खोला है पर ये तो खुला है। मैम यू टेल मी व्हेन यू स्टार्ट दिस पावर वो स्क्रीन शेयरिंग, तो आपको दो तीन ऑप्शन मिल रहे होंगे। हाँ बिल्कुल आ रहा है। उसमें आ रहा, उसमें क्या क्या ऑप्शन आ रहा है? उसमें तो आ रहा है एंटायर स्क्रीन, नो, अ विंडो, अ टैब, विंडो। मैम यू शेयर द विंडो। हाँ लेकिन उसमें अंदर जो आ रहा है वो जो मेरी स्क्रीन पे आ रहा है वो आ रहा है, वो नहीं आ रहा है जो मेरा वो है। अच्छा, मुझे लगता है कि आप अपने बयान जारी रखिए। मुझे यही लग रहा है, ये बहुत अच्छा आइडिया। चलिए चलिए, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया, फाइन, ओके। तो आज जो मैं बात करना चाह रही थी वो थी कि किस तरह से ओरल हिस्ट्री का प्रोजेक्ट था हमारा फ्रीडम स्ट्रगल का, जो हमने 1980s में हमने इसकी शुरुआत की थी। और आइडिया उसके पीछे ये था कि हम आज़ादी की लड़ाई में जो बहुत से लोग थे, जो पेजेंट मूवमेंट थे, जो लेबर मूवमेंट में थे, और उनको उनकी हम इंटरव्यूज लेकर, और ये कॉन्शियसनेस एक थी कि टाइम जा रहा है और उस समय के लोग अब बहुत कम हैं। तो 3 साल तक ये सिलसिला चला, 1984 से लेके 1987, केरला से शुरू करकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात, और फिर आगे उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार में। जैसे कि संजय कुमार जी ने कहा कि 1500 से ज्यादा। एक सेकेंड, वो शायद आ गया है स्क्रीन में, तो क्या आप सही पेज पे उनको ले जा सकते हैं? अच्छा ओके ओके, नंबर 6 पेज है, मैं बता दूंगी, आगे जाइए, आगे चलिए। हाँ बस यहीं पे रुकने, उससे पहले हाँ बस ठीक है। तो देव मैंने जैसे कहा कि 1500 से ज्यादा इंटरव्यूज थे, जैसे संजय कुमार जी ने कहा, जो इकट्ठे हुए। आगे चलेंगे, हाँ नेक्स्ट स्लाइड। तो जो हमारा इनिशिएटिव था वो, अगर हम दो बहुत ही माने हुए ओरल हिस्टोरियन हैं, पॉला हैमिल्टन एंड लिंडा शोप्स, जिन्होंने ओरल हिस्ट्री और पब्लिक मेमोरी नाम से किताब का उन्होंने एक गठन किया था, तो उन्होंने ये एक बहुत बहुत ही अहम बात की जो कि हमारे प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि ओरल हिस्ट्री की शुरुआत जो हुई वो एज अ प्रैक्टिस थी, एज अ प्रैक्टिस ऑफ डूइंग हिस्ट्री इन रिलेशन टू द डेमोक्रेटाइजिंग ऑफ हिस्ट्री इन द 1960s, कि एलीट्स को लेके जो पूरा एक फोकस था उससे हटकर हमने जो है ये 1960s में, जबकि आज़ादी की लड़ाई जो है वो पूरे विश्व में फैल गई थी, और जो इम्पीरियलिज्म है उसका अंत हो गया था, जिसको डिकॉलोनाइजेशन भी कहा जाता है, और औरतों की मूवमेंट और सिविल राइट्स, नागरिक अधिकार के लिए जो मूवमेंट्स थे, तो ये पूरा एक 60s-70s का जो दौर था वो बिल्कुल एक दौर था जबकि मुद्दे भी एक तरह से डेमोक्रेटाइजिंग वाले मुद्दे थे, और उनको फिर कैसे उतारा जाए इतिहास में, उसको लेकर एक नई तरह का की प्रैक्टिस आगे बढ़ी, जिसको हम ओरल हिस्ट्री कह सकते हैं। नेक्स्ट, अलेजांद्रो पोर्टेली, जो कि बहुत ही एक माने हुए प्रैक्टिशनर हैं ओरल हिस्ट्री को के, उन्होंने ये लिखा है कि ओरल सोर्सेज आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ हिस्ट्री ऑफ द नॉन हेजेमोनिक क्लासेस। ये बात भी बहुत अहम बात थी और बहुत एप्ट बात थी, अप्रोप्रिएट बात थी, अगर हम अपने प्रोजेक्ट को लेकर कहें, क्योंकि
हमारा प्रोजेक्ट था वो इस फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर था, और फ्रीडम स्ट्रगल जो थी वो एक काउंटर हेजेमोनिक आंदोलन था, ब्रिटिश साम्राज्य की हेजेमनी थी, उनकी पूरा बोलबाला था, और उसके खिलाफ आजादी की लड़ाई थी। तो हमारे प्रोजेक्ट में हमारा जोर, जैसे मैंने कहा, लेबर, पेजेंट्स, एक्टिविस्ट, औरतों पर, दलित पर बहुत ज्यादा था, तो इसलिए ये बहुत, जो उन्होंने कहा, ये भी हमारे प्रोजेक्ट से बहुत मिलता हुआ था। आगे चले, पॉल थॉमसन, जिनकी किताब एक तरह से एक रीडर है, अगर आपको में से किसी को ओरल हिस्ट्री में दिलचस्पी हो तो ये पहली एक किताब एक रीडर की तरह से होगी जो आप उठाएंगे, तो उन्होंने ये बात भी बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा कि पहले जो इतिहास था वो एरिस्टोक्रेसी के बारे में था, जिसको ग्रैंडी कहते हैं, जो फ्यूडल एलिमेंट थे, तो उनकी जो बातें थी वो ही रखी जाती थी, उनके प्राइवेट पेपर थे, उनके जो थे। लेकिन ओरल हिस्ट्री के आने से जो एक आम एक कारीगर है, वो आम कारीगर जो है उसकी, वो किस तरह से, मान लो एक लोहार है, उसकी क्या, किस तरह से वो लोहा बनाता है, उसको डॉक्यूमेंट वो करना, देखना, उनकी क्या अप्रेंटिसशिप की क्या तरीके हैं, ये सब जो है ओरल हिस्ट्री ने सारा बदल दिया। तो जो बिल्कुल निचले तबके हैं और जो लोग वर्कर की जो इतिहास है वो भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि एरिस्टोक्रेसी या बुर्जुआजी का इतिहास। नेक्स्ट, हिस्ट्री वर्कशॉप जर्नल का नाम शायद सुना होगा, सोशलिस्ट ट्रेडिशन से जुड़कर, खास करके ब्रिटेन की जो सोशलिस्ट ट्रेडिशन थी, जिसमें ईपी थॉमसन, मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास, या रैल्फ सैमुअल, जिनका पूरा रिश्ता था हिस्ट्री वर्कशॉप जर्नल के साथ। और इस समय में एक और बात भी आगे आई, जिसे बाद में इंडिया में भी काफी इसका प्रचलन सुमित सरकार इत्यादि ने किया, जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। सबाल्टर्न स्टडीज के आने से पहले आपको याद होगा हिस्ट्री फ्रॉम बिलो की बात की गई, कि एक हिस्ट्री फ्रॉम अबव है और एक हिस्ट्री फ्रॉम बिलो है। तो ये सारी बात भी आ रही थी कि एक पूरा, कहने का मतलब है केवल एक इतिहास में उथल पुथल नहीं थी, एक पूरे समाज में एक जागरण था, और उस जागरण से ही ओरल हिस्ट्री की ये एक डेमोक्रेटाइजिंग हिस्ट्री की जो एक प्रैक्टिस है वो उभरी। नेक्स्ट, एक बहुत ही दिलचस्प बात है ओरल हिस्ट्री की प्रैक्टिस के बारे में, और जो उनसे निकले हुए जो कलेक्शंस है वो ये है कि अब उनको, और ये बात मेरी सुरेश मिश्रा जी से जुड़ जाती है, कि वो स्थानीय जगह में ही अब रखी जा सकते हैं जो कलेक्शंस हैं। अगर गोंड का इतिहास है, अगर उनकी टेस्टमनीज हैं, तो हमें उसे उठाकर नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में उनके ट्रांसक्रिप्ट और उनकी जो रिकॉर्डिंग है वहां लाने की जरूरत नहीं है। अब इनफैक्ट अगर हम देखें तो ओरल हिस्ट्री के जो में जो लोग सक्रिय हैं, जो उसके प्रैक्टिशनर हैं, उन्होंने एक बात पे बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने जोर दिया है, और वो ये है कि किसी भी संप्रदाय, किसी भी ग्रुप, किसी भी कम्युनिटी की जो हिस्ट्री है वो उसी कम्युनिटी के साथ रहनी चाहिए। इसलिए ये समझ है कि लोगों की जो मेमोरी है, जो उनकी याददाश्त है, केवल ये नहीं होना चाहिए कि हम जाएं वहां पर फील्ड में अपने टेप रिकॉर्डर लेकर जाएं और उनको सारा कलेक्ट करके हम कहीं पे ले जाकर उनकी जो इतिहास, उनकी जो याददाश्त है, वहां पर जाकर एक बहुत बड़े विशाल सेंट्रलाइज्ड इम्पर्सनल आर्काइव में जाकर हम उनको रख दें, जिनका कोई रिश्ता ही ना रहे उन लोगों के साथ जहां से वो इतिहास निकला है। तो
इसका शब्द भी बहुत इंटरेस्टिंग है जो इसके लिए इस्तेमाल करना किया जाता है, वो है रिटर्निंग हिस्ट्री टू द कम्युनिटी। रिटर्निंग हिस्ट्री टू द कम्युनिटी कि जिन लोगों ने आपके साथ शेयर किया है अपनी याददाश्त, तो आपका दायित्व है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनका इतिहास उनको वापस दें। और ये आगे चलकर हम देखेंगे कि जो कम्युनिटी और जो लोग हैं उनकी एम्पावरमेंट के साथ ये किस तरह से जुड़ जाता है। संजय जी आगे चलें नेक्स्ट। तभी हमारा जो ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट था, जानबूझकर ये हमने किसी स्टूडियो में नहीं रखा। नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में जो ओरल हिस्ट्री कलेक्शन है वो एक बहुत ही प्रॉपर स्टूडियो, जैसे AIR का स्टूडियो है, वहां पर जो वक्ता हैं वो आते हैं और वो रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, वो उसकी अपनी समझ है क्योंकि वो लोग बहुत ऊंचे लेवल के लीडर हैं जिनकी बात रखी जा रही है। पूरा आइडिया है था कि एक फील्ड प्रोजेक्ट था। आज मैं इस पे बात नहीं कर पा रही हूँ ज्यादा, लेकिन हमारा ये जो पूरा एक मेथड था जो कि हमने वी इवॉल्व दिस मेथड बाय जस्ट मूविंग फ्रॉम वन टू द अदर। ये कहीं हमने बुक से नहीं पढ़ के हमने उसको वो किया। हम ट्रेन में 3.5 दिन हम ट्रेन में दिल्ली से लेके केरल तक गए, तो बक्सों में हमारे पास बुक्स थी तो उनमें से निकाल के हमने क्वेश्चनेयर बनाए। और क्वेश्चनेयर मेथड भी हमने, जो क्वेश्चनेयर का मतलब था कि आप हमारे लिए वो क्वेश्चनेयर था, हम उनको पढ़ते थे, सारी जानकारी उसके बारे में लेते थे, लेकिन जब हम फील्ड में जाके बात करते थे तो हमारे दोनों के बीच में, इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई के बीच में, कोई क्वेश्चनेयर नहीं था। मैं उसकी बात करूंगी, वो बहुत एक इंटरेस्टिंग मेथड जो है वो इवॉल्व हुआ। तो कभी बस में गए, कभी ट्रेन में, कहीं रिक्शा पे। मुझे याद है एक बारी 2.5 घंटे हम रिक्शा में बैठे रहे प्रोफेसर शांता सिन्हा जी और मैं। हम काकीनाडा से पितापुरम गए तो एक पूरी रोड ही चलती रही 2.5 घंटे तक, बस एक साइकिल रिक्शा में ही जाकर हम उस गांव में पहुंचे। गांव में रहते थे, होटल भी नहीं होते थे उस समय। कभी फर्श पे रहना, कभी ऐसी होटल में रहना जहां पे आप आज के दिन में, तो मैं सोच नहीं सकती कि कोई भी मेरे स्टूडेंट जाकर वहां पर रहेंगे। कभी ब्रेकफास्ट नहीं है तो वहां पर बनाना में को काट कर ब्रेड में लगाकर सैंडविच बनाकर वही हमारा नाश्ता होता था। और नहीं तो कई बारी तो बहुत ही शानदार दावत होती थी जब हमारे जो इंटरव्यूअर थे वो बहुत बड़े कोई मिनिस्टर बन गए या कोई अच्छे वो अब वो इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए हैं, तो बहुत दावतें भी बहुत अच्छी थी। जैसे कि कोस्टल आंध्रा में देखा। मैं पंजाब से थी, हम हमेशा कहते थे पंजाब इज द लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। तो वहां कोस्टल आंध्रा में जाके पता लगा कि जितना घी कोस्टल आंध्रा में वो आपके चावल पे डाल के देंगे, वो पंजाब में उतना घी और उतनी हॉस्पिटैलिटी हमारे यहाँ भी इतनी नहीं है। नेक्स्ट, लाइफ स्टोरी अप्रोच। ये बहुत ही दिलचस्प बात निकली। ये बाद में जाकर हमने जब ओरल हिस्ट्री के जो जर्नल्स थे वो जब मैंने पढ़े, क्योंकि मैं ही थी उस ग्रुप में 6 लोगों के बीच में, बिपिन चंद्रा जी थे, मृदुला और आदित्य मुखर्जी, भगवान जोश, शशि जोशी, उनमें से मैं ही थी जो एक आई वॉज एम्प्लॉयड ऑन द प्रोजेक्ट। और थोड़े से पैसे मिलते थे लेकिन आई वॉज एम्प्लॉयड ऑन द प्रोजेक्ट। तो ये जिसको हम लाइफ स्टोरी अप्रोच कहते हैं, ये एंथ्रोपोलॉजी से देखा हमने बाद में बहुत जुड़ा हुआ था। जिस तरह से एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट या एथनोग्राफर जाकर एक गांव में जाकर बस जाते हैं और फिर जाकर एक जो उनका जो रिस्पोंडेंट है उनको जाकर आप बात करेंगे और कहेंगे अच्छा बताइए आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, आपके माँ बाप यहाँ कैसे आए, फैमिली के बारे में। और पूरा शुरू, अगर मान लो वो आदमी 42 मूवमेंट में सक्रिय थे, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में थे मान लीजिए, लेकिन शुरुआत हमारी बचपन से होती थी और धीरे धीरे 6-8 घंटे अगर वो आदमी बात कर सकते थे तो पूरा सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड सारा बताते हुए हम उस समय तक पहुंचते थे।
इसकी क्या खासियत थी? इसकी खासियत थी, इसकी खासियत थी कि हमें कभी भी, जिसको हम कहते हैं पार्टी लाइन, हमें पता लग जाता था कि पार्टी लाइन क्या है और अंदर से क्या है। क्योंकि जब आप अपने आप को अपने बचपन में वापस ले जाते हैं और फिर धीरे धीरे आप अपना जीवन जीते हैं अपने इंटरव्यूअर के साथ और पूरा अपनी सक्रिय पॉलिटिक्स के थ्रू वो कहानी बताते हैं, तो आप पार्टी लाइन जो है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा था कि पीपल्स वॉर लाइन है और इसीलिए हमें उसका समर्थन होना चाहिए, तो आप वो नहीं हमें देते हैं। आप यही बताते हैं कि देखिए हम भी लोगों के साथ थे, लेकिन क्या करें, सोवियत यूनियन का इस तरह किस्सा था उस समय, तो हमें ये करना पड़ा। तो सच्चाई जो है ना एक अंदर से ये निकल कर आती थी लाइफ स्टोरी अप्रोच में। इसको मैंने ये भी बात की है और ये तभी वर्ड यूज कहा है, फैलेसी ऑफ हाइंडसाइट। आप सब लोग इतिहासकार हैं, बहुत बड़े इतिहासकार हैं, आप इसको एकदम से समझ पाएंगे कि हाइंडसाइट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैं और मेरे फ्रेंड दोस्त हैं जमान खान पाकिस्तान में, हम दोनों बैठकर दोनों लस्सी पी रहे हैं और बात कर रहे हैं कि अरे क्या कितना बुरा हुआ कि पाकिस्तान बना, हम यहाँ आए, जमान साहब उठकर जलंधर से मेरी माँ के घर से लाहौर गए। तो एक हाइंडसाइट मतलब आज के, फ्रॉम टुडे वी आर लुकिंग बैक ऑन यस्टरडे विद द नॉलेज ऑफ टुडे। तो जो आज की हमारी समझ है वो उस बात को पूरा दृश्य में ला रही है। ये एक फैलेसी है। Why am I calling it a fallacy? Fallacy मतलब ये प्रॉब्लम है, ये गलती है, ये एक झूठ है। जब हम लाइफ स्टोरी मेथड से हम इंटरव्यू करते हैं और अगर जब हम धीरे धीरे हमारी लाइफ जो है वो चलती 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 5 साल से लेकर करती हुई हम आगे बढ़ती है, तो वो जो हाइंडसाइट है जिसमें हमारी समझ है वो नहीं, उसकी गड़बड़ नहीं आ रही है, उसकी फैलेसी नहीं आ रही है। उसमें क्या आ रहा है? सिर्फ प्योर तजुर्बा, प्योर एक्सपीरियंस, दैट इज कमिंग फॉर्थ, नॉट द हेड। दो लोग बात मिलकर बैठ के बात करते हैं कि अरे देखो मान लीजिए पार्टीशन है, उसको हम सोचते हैं कि दैट इज लाइक यू नो टू पीपल हैव गॉट डिवोर्स्ड, तो हम सोचते हैं अच्छा 1937 में अगर, उस समय तक तो सब बात ठीक थी, उसके बाद में जाके गड़बड़ हुई। तो कहने का मतलब है जो आज की जो फीलिंग ऑफ रिग्रेट है वो अब पास्ट को हम उसके नजरिए से देख रहे हैं जिसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो हाइंडसाइट से हटकर हाउ टू गेट द प्योर एक्सपीरियंस विच इज कमिंग फ्रॉम लिविंग योर लाइफ एज यू लिव्ड इट एज क्लोज टू दैट एज पॉसिबल। लास्ट बात इस स्लाइड से मैं ये लूंगी और ये हमें, मैंने पढ़ा इसके बारे में, आप भी पढ़ सकते हैं, ये केवल अल्जाइमर्स की बात नहीं है, ये है, ये डॉक्टर्स ने भी इसको डिस्कवर किया है और लिखा है इसके बारे में कि मेमोरी इज शार्पर फॉर चाइल्डहुड। अगर आप अपने पास्ट के बारे में सोचेंगे तो कई जो इमेजेस हैं, कई बार ऐसे स्मेल्स भी आपको इतने स्ट्रॉन्ग आते हैं जो कि आपके चाइल्डहुड के बारे में है, एंड दिस इज साइंटिफिकली मेडिकली इट हैज बीन प्रूव्ड। तो जब हम एक इंटरव्यूई कोरिस्पोंडेंट को अपने बचपन से शुरू कराकर हम उसके प्रैक्टिकल पॉलिटिकल लाइफ से निकलते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर ये जो अच्छी मेमोरी है, शार्प मेमोरी है, ये भी काम करने लगती है। थैंक यू, आगे चले। हाँ ये इसको रहने दीजिए, ये पार्टीशन आर्काइव के बारे में है तो मैं अभी नहीं जाऊंगी, इसको भी रहने दीजिए, मैं ऑलरेडी इसकी बात कर चुकी हूँ। सभी हमारी इंटरव्यूज रिकॉर्डेड थी और आप
ये बात बिल्कुल आपको दिलचस्प लगेगी कि आम तौर से किसी को भी इसकी आपत्ति नहीं थी। कभी कभार कोई खासकर बहुत ही पॉलिटिकल या कोई लीडर टाइप के रिस्पोंडेंट थे तो आपको रोकते थे और कहते थे दिस इज ऑफ द रिकॉर्ड। अब मैं ये कहानी बताने जा रहा हूँ, दिस इज ऑफ द रिकॉर्ड। लेकिन लोग चाहते थे कि उनकी टेस्टिमनीज जो हैं वो रिकॉर्ड हो। ये आपको इस बात से हैरानी होगी, देयर वाज अ सेंस ऑफ बेयरिंग विटनेस। बेयरिंग विटनेस एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है। ये पहली बार एक होलोकॉस्ट, जो ज्यूइश होलोकॉस्ट है, जो इतने लोग मरे थे, जो ज्यूज 6 मिलियन, ये उनकी एक बहुत माने हुए राइटर हैं जिनका नाम है एली वीजल। एली वीजल ने नोबेल प्राइज भी जीता था और उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी। तो बेयरिंग विटनेस, उनका आइडिया था कि व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट फॉर अस टू रिकॉर्ड आर टेस्टिमनी। क्यों जरूरी है कि हमारे साथ जो हुआ कि उसको हम लिखें, उसका रिकॉर्ड हम आगे के लिए छोड़ें। वो मुंह जुबानी जो है अपने बच्चों के लिए, आगे के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? व्हाई? बिकॉज ऐसे नहीं कि हमारी कहानी दिलचस्प है, नहीं। इट इज आवर ड्यूटी टू बेयर विटनेस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमने देखा कि आम लोग भी जो थे उस समय के, जो पॉलिटिकली एक्टिव थे, उनमें बहुत ही कॉन्शियसनेस थी। वो कितने लोगों ने हमें कहा अब आप आ गए हो, अब हमने कहानी बता दी है, अब हम आराम से मर सकते हैं। नेक्स्ट, ये एक एग्जांपल है, बहुत ही मतलब क्या कहना चाहिए, इमोशनल। शांता सिन्हा जी के साथ मैंने एक इंटरव्यू करी थी गुंटूर में, वो आंध्र प्रदेश में, 1984 की थी। और एक लेडी थी, उनका नाम शांता सिन्हा, के बारे में आप जानते ही होंगे। उन दिनों में तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अध्यापिका थी और जेएनयू की पहली वो पीएचडी है पॉलिटिकल साइंस में। पैसा तो था नहीं हमारे पास, आईसीएसएसआर ने थोड़े से पैसे हमें दिए थे, आईसीएचआर तो नहीं से कुछ नहीं मिला था, थोड़े से पैसे मिले। तो बिपिन चंद्र प्रोफेसर जी ने क्या किया, उन्होंने एक ब्रॉडकास्ट कर दिया एक तरह से जितने स्टूडेंट्स को वो जानते थे कि भाई साउथ इंडिया में जो भी जेएनयू से कोई लड़का है ना, कोई डीएसपी है, कोई कलेक्टर है, कोई स्टूडेंट है, कोई कुछ है, उनको कहना कि हमें इंटरव्यूज इंटरप्रेटर्स की हमें जरूरत है, तो वो हमें इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन कर। तो ये प्रोजेक्ट इस तरह का था, मतलब एक कारवां था और उस कारवां में कई लोग जो थे वो जुड़ते जाते थे। तो आगे चलेंगे, तो पार्वती अम्मा वो जो थी वो लेडी थी, 84 साल की थी, बहुत ही कमजोर, छोटा सा कमरा, जमीन पर बैठी। हम भी तीनों, शांता और मैं, उनके साथ बैठ गए। तेलुगु भाषा में वो बोल रही थी और शांता इंटरप्रेट कर रही थी। ज्यादा जरूरत भी नहीं थी इंटरप्रिटेशन की, बिकॉज आधे से ज्यादा टाइम तो वो रो रही थी अपनी कहानी बताते हुए कि कैसे गांधी जी आए गुंटूर में और वो गई। बहुत छोटी बालिका थी और उन्होंने जाकर अपनी गोल्ड बैंगल जो है वो उन्होंने उतार कर उन्होंने गांधी जी को जाकर पकड़ा दी। और घर आई तो ऑफकोर्स अच्छी तरह से पिटी, लेकिन कभी भी उनको ये जो एक जोश था आजादी का वो नहीं उतरा, चलता रहा। बाद में भी उन्होंने अपनी जमीन जो थी थोड़ी बहुत वो जाके वो भी आजादी की लड़ाई में उन्होंने दे दी। क्यों रो रही थी? रो इसलिए रही थी, उन्होंने कहा आपके आने से 40 साल के बाद मेरा बेटा जो है वो उसने आकर एक कमरे में मेरे साथ बैठा है। कि उनको इतना गुस्सा था कि आपकी जो पॉलिटिक्स और आपकी जो आइडियल्स थे उसकी वजह से हम लोग जो हैं गरीब इतने रह गए, आपने सारा दान कर दिया मूवमेंट को। तो इतना उसमें आक्रोश, इतना गुस्सा था उनके लड़के में। लेकिन देखिए, क्योंकि हम लोग चलकर जेएनयू से आए उनकी बात सुनने के लिए, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड, तो
क्योंकि हम आउटसाइडर थे लेकिन हमने उनकी जो स्टोरी थी उसमें हमारी हमने कुछ वैल्यू देखा, और क्योंकि हमने वो वैल्यू देखा उनकी जो पूरी रिकाउंटिंग थी, तो उससे पार्वती अम्मा को एजेंसी मिल गई। वो जो एक जो क्रिया थी ऑफ हर रिमेम्बरिंग हर स्टोरी, दैट बिकेम हर एम्पावरमेंट। व्हाई? बिकॉज शी वॉज रिकग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन सो मेनी इयर्स एज समवन हुज मैटर्ड। पीपल हैव कम फ्रॉम सो फार टू लिसन टू हर, दैट मीन्स शी डिड समथिंग विच वॉज मीनिंगफुल फॉर द कंट्री। नेक्स्ट। धीरे धीरे हमें ये बात समझ आई कि ओरल हिस्ट्री जो है, खास करके कि विशेष तरह के इतिहास के लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, जैसे कि मोबिलाइजेशन कैसे होता है एक पार्टी का, एक मीटिंग करनी है कैसे करेंगे मीटिंग, इनर पार्टी डिबेट है। कांग्रेस को मान लीजिए 1936-37 में उनको ऑफ प्रोविंशियल मिनिस्ट्री सेटअप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब ये बातें तो खतों में नहीं लिखी जा रही, ये बातें कांग्रेस की रेजोल्यूशन में नहीं आ रही। थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस ब्रांच के जो लोग होंगे जो मीटिंग में जाएंगे, कैंपेन मीटिंग में, तो थोड़ा बहुत वहां से आएगा, लेकिन ये बातें तो अंदर की बातें हैं, पार्टी के अंदर की बातें, ऑर्गेनाइजेशनल की अंदर की बातें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और मोबिलाइजेशन किस तरह से डेमोक्रेटिक था। तो आगे चलिए, इसका एक आध एग्जाम्पल ही मैं सिर्फ दूंगी। जैसे कि फंड्स है, आपको पढ़ा होगा, आपने कई बार ही कहते हैं कि अरे जो कांग्रेस है वो तो बिरला जी जो थे वो गांधी जी को पैसे देते थे, सारे फंड उनसे आते थे, गांधी जी के देते थे वो फंड, लेकिन ज्यादा अपनी गौशाला और कंस्ट्रक्टिव वर्क वगैरह के लिए। पार्टी का जो मेन फंड था मूवमेंट के लिए वो ग्रास रूट से आता था, दरवाजे से दरवाजे एक्टिविस्ट जाते थे और इकट्ठे करते थे, मीटिंग होती थी वहां पर मोबिलाइजेशन होती थी, आटा इकट्ठा होता था, सत्तू इकट्ठा होता था, इस तरह से मीटिंग करी जाती थी। स्ट्रेटेजी को लेकर एक एग्जांपल मैं जरूर देना चाहती हूँ, और वहां पर प्रोफेसर बिपिन चंद्रा जो कि मेरे गुरु रहे हैं और स्वानकार जी से मेरा रिश्ता भी एक तरह से उनको लेकर ही शुरू हुआ था, उनके बारे में जाना भी मैंने कभी, तो प्रोफेसर बिपिन चंद्रा ने आपने पढ़ा होगा इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में, उन्होंने स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल को बताया है कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी थी। इसका कहने का मतलब है ये नहीं कि आदमी जो है हमेशा स्ट्रगल करता रहे, लेकिन कुछ स्ट्रगल के बाद आप एक समझौते पर आते हैं, फिर वो समझौते में से जो आप निचोड़ सकते हैं वो लेते हैं और फिर आगे आप स्ट्रगल करते हैं। जैसे नॉन कोऑपरेशन आया, फिर कुछ साल कंस्ट्रक्टिव वर्क, फिर आपकी तैयारी हुई, फिर आगे आप बढ़े। अब इसका एग्जाम्पल अगर नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे तो आप देखेंगे तो ये माधवलाल शंकरलाल पांड्या जी थे जिनको हमने इंटरव्यू किया था खेड़ा जिले में, बोरसाट जगह का नाम है गुजरात में। तो इन्होंने बहुत ही दिलचस्प और आसान तरीके से इन्होंने ये बात कही, ये फुटनोट के माध्यम से भी इसको हमने इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में डाला है। तो उन्होंने कहा, लड़ो जो मिले सो लो, भोगो और फिर लड़ो। तो देखो, स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल कितने सिंपल तरीके से ग्रास रूट लेवल लीडर उन्होंने ये रखा हमारे आगे। प्रोफेसर बिपिन चंद्रा ने, शायद आपने याद को याद होगा, संजय कुमार जी ने बात की इंडिया स्ट्रगल की और औरों ने भी की। ये बिपिन चंद्रा ने पहले पीसीपी की बात करी थी, प्रेशर कॉम्प्रोमाइज प्रेशर, उसमें स्ट्रगल की बात नहीं आ रही थी और कॉम्प्रोमाइज का भी मतलब अलग था। तो कहने का मतलब है कि ये सारा जो एक सागर था टेस्टमनीज का,
समझ का, जिस कलेक्टिव विजडम, जिसमें हम उस सागर में हम उतर पाए, उसमें हमने डुबकी लगाई, उसमें से हम बाहर निकले और बिल्कुल अलग तरह से हम आजादी की लड़ाई को समझ पाए, ये बिल्कुल हमारी आजादी, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये उसकी वजह से था। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसलिए हम देखते हैं कि बहुत से और भी पहलू हैं जिनको हम ओरल हिस्ट्री से जोड़ सकते हैं, जैसे कि अब सरकारी अफसर हैं, हमें सुचेता कृपलानी जी ने हमें बताया कि वो बॉम्बे में चीफ सेक्रेटरी जो थे उनको मिलने गई और उन्होंने कहा तुम्हारे लिए वारंट निकला हुआ है और अंडरग्राउंड मूवमेंट में तुम हो, तुम यहां से अब निकल जाओ, बाहर मेरी गाड़ी है, वो आपको बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो बॉर्डर है वहां तक वो पहुंचा देगी, अब आगे तुम कर्नाटक में या जहां भी जा रहे हैं वो आप देख लेना, लेकिन आगे आई कैन नॉट हेल्प यू मोर देन दिस। इस तरह के बहुत हम एग्जाम्पल थे। जेलर लोग कितने नेशनलिस्ट थे, कितनी सिंपथी थी उसके लिए। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। हाँ, तो ये जो सारा मटेरियल था, जैसे कि मैंने कहा कि ये इंडियन नेशनल मूवमेंट लॉन्ग टर्म डायनामिक्स, जो कि बिपिन चंद्रा जी का प्रेसिडेंशियल एड्रेस था और फिर बाद में बुक के फॉर्म में छपा, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो कि हमने एक साथ मिलकर लिखी और विच ड्रू ऑन आर ओरल हिस्ट्री टेस्टिमनीज, यहाँ तीन बुक्स की बात है, उसकी थर्ड बुक वो किसी और बुक की मैं बात कर रही हूँ, वो अभी मैं नहीं ले रही हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। तो क्या क्या निकलता है इसमें से, इन ये जो ओरल टेस्टिमनीज है इनसे हमें लोकल जो इनिशिएटिव था वो उसके बारे में पता लगा, जो अलग अलग तरीके थे इन्वॉल्वमेंट के, पार्टिसिपेशन के, उनमें कितनी डाइवर्सिटी थी, ये हमें लोगों की बातों से पता लगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल जो लोग थे, जो हमारे रिस्पोंडेंट थे वो एलीट नहीं थे, हम माउंटबेटन से बात नहीं कर रहे थे, हम गंगाचरण सिन्हा से बात नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे जो बिल्कुल आम आदमी है, मेन विमेन चिल्ड्रन, जो कि जो जत्था कांग्रेस के वॉलंटियर के जब जाते थे तो वो उनको साइड पे खड़े होकर उनको वो चेयर करते थे, जो चार आने देकर मेंबर बनते थे कांग्रेस के, जो खादी पहनते थे कांग्रेस की, गांधी टोपी पहन देते थे, जो पत्रिका होती थी, पत्रिका का आपने सुना ही है जो ये 42 के आंदोलन में पत्रिका इस जगह से दूसरी जगह जो फैलाई जाती थी उसमें लड़कियों का काम बहुत था, अरुणा आसफ अली जैसे थी दिल्ली में, उन्होंने बहुत सी की, या फिर और कुछ नहीं तो सुबह उठकर प्रभात फेरी में आम लोग जा रहे हैं, गाना गा रहे हैं आजादी के गले। तो ये लोग जो थे ये हमारी जो इतिहास है उसमें नहीं है, इनके नाम नहीं है, ये मार्टर नहीं थे, ये बड़े लीडर नहीं थे, लेकिन इनकी कंट्रीब्यूशन थी, जैसे कि हमने पार्वती अम्मा के एग्जांपल से देखा, उन्होंने अपनी जो लैंड था वो भी उनके हाथ से गया, उनकी लाइवलीहुड भी गई, उनके बच्चे जो थे उनको एजुकेशन नहीं मिला, कई बारी शेल्टर खाना पीना नहीं मिला, लेकिन तब भी उन्होंने पीछे नहीं देखा। नेक्स्ट। आखिर मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो ओरल हिस्ट्री अप्रोच है, जैसे कि हमने देखा है कि इससे हिस्ट्री जो है वो डेमोक्रेटिक हो गई, जो हिस्ट्री और कम्युनिटी के बीच में जो रिश्ता था वो बदल गया, रिश्ता अब ऐसा नहीं था कि हिस्टोरियन ऐसा है और वो नीचे जो एक लोग हैं उनसे वो मटेरियल लेता है उसको ले जाता है, नहीं, हिस्ट्री, the writing of history, recording of history became a series of exchanges. मैंने return of the history to the community की बात की थी, उससे आगे बढ़कर बात एक होने लगी, वो थी कि community को एक self-confidence आया कि हम अपना इतिहास खुद लिख सकते हैं, हमें बाहर के professional historian नहीं चाहिए जो आकर हमारा इतिहास लिखेंगे। local radio station में भी ब्रॉडकास्ट होने लगे, और यहाँ जो शुरुआत है
इसका ये खास करके ब्रिटेन में और उनके स्कूल सिस्टम से जुड़कर इसका शुरुआत हुआ, लेकिन आप देखेंगे इंडिया में भी हुआ। अगर एक्टिविस्ट तौर से देखा जाए तो एक सोशल मूवमेंट भी कई बारी आगे चल के बढ़ जाता था, कि जैसे मान लीजिए अगर जो इंटरव्यू ग्रुप है अगर वो होमलेस लोग हैं जिनका शेल्टर नहीं है, या वो रेफ्यूजी हैं, या वो वर्कर हैं जिनके जो यूनियन में हैं, या जो ट्रांसजेंडर राइट्स को के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बात आ सकती है। तो कहने का मुद्दा क्या का तात्पर्य ये है कि पॉलिटिक्स से हटकर समाज में, इकोनॉमी में, कल्चर में बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ की ये जो टेस्टिमनीज का जो सिंजोना, उनको किस तरह से प्रेजेंट करना, उनको किस तरह से रखा जाना अपने लोकल म्यूजियम्स में, ये नहीं कि किसी और एक बड़े से म्यूजियम में रखा जाए, और ये एक पूरा एक मैं कहूंगी कि एक मोड़ हमने लिया है पिछले 30-40 साल में, एक 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 बहुत ही पुराना एक आइडिया था, हालांकि उसमें कोई गलती नहीं थी, जिसको हम कहते थे ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री। और फिर एक बात आई कि नहीं, फैक्ट्स जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं है, फैक्ट्स जो इंटरप्रिटेशन से अलग है, सब्जेक्टिवनेस की बात, सब्जेक्टिविटी की बात में सोचने लगे। पहले, और मैं इसी से अंत करना चाहती हूँ, मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से जब मैंने शुरुआत की इसमें यूनिवर्सिटी में ओरल हिस्ट्री अपने स्टूडेंट्स के साथ, उनको इंकरेज करना इंक्लूड करो, तो ओरल टेस्टिमनीज इंटरव्यूज जो थी वो कहाँ होती थी, थीसिस में, अपेंडिक्स में होती थी, अपेंडिक्स में आती थी, या फुटनोट में कोटेशन आ जाता था। It was only meant to authenticate the written word. It was only meant as an embellishment, for ornamentation. जैसे कहते हैं ना कि जाकर एक जर्नलिस्ट है, वो एक स्टोरी अपनी बता रहा है, तो उसने जाकर किसी को इंटरव्यू किया तो और बात उभर कर आ जाती है। लेकिन आज एक ऐसा टाइम आया है कि जब हमने थीसिस पे थीसिस हमने केवल ओरल हिस्ट्री के बेसिस पर हमने लिखवाए हैं, हमने मैंने गाइड किए हैं हमारे फेलो टीचर्स ने, एंड हम खुद भी इससे एंगेज कर रहे हैं, जिसमें हम कहने को ये तैयार हैं कि अगर बायस ओरल हिस्ट्री में है तो वो बायस रिटन वर्ड में भी है। जो वाइसराय ऑफ इंडिया जो मिनट्स लिखता है एक मीटिंग के, उसमें भी बायस है। जब जवाहरलाल नेहरू बाहर जाता है और वो लिखता है कि हाँ नेहरू ने तो ये कहा, कांग्रेस ये कहते हैं, उस मिनट्स में भी बायस है। एक जो एरिस्टोक्रेसी का आदमी है, जो बचपन से ही उसको पता है कि मेरे प्राइवेट पेपर्स जो हैं वो रखे जाएंगे ब्रिटिश लाइब्रेरी में, मैं एक ऐसे तबके से आता हूं, तो जो भी मैं खत लिखूंगा अपने बचपन से, वो खत वैसे ही लिखा जाता है किस सोच से कि ये खत जो है ये कभी ना कभी प्राइवेट पेपर्स में आएगा। तो अगर हम ये देख के चलें तो हम समझ सकते हैं कि पूरा मैदान जो है एक तरह से खुल चुका है, और ये मैदान जो है और क्षेत्र को खोलने में, इसे डेमोक्रेटिक बनाने में, इसमें मार्जिनल वॉइसेस को उनकी सुनवाई होने में, इसमें ओरल हिस्ट्री, लोकल हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ मार्जिनलाइज्ड, हिस्ट्री ऑफ विमेन, ये सब इसका योगदान है। आपने इतने ध्यान से मेरी टूटी फूटी हिंदी और मिक्स शब्दों में आपने मेरा ये आज का ये लेक्चर, एक टॉक जो है सुना, तो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। शुक्रिया मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही शानदार उद्बोधन दिया, और आपका उद्बोधन सुनकर के निश्चित रूप से मुझे आपके पिता की याद आ गई। डॉक्टर वी डी महाजन का विश्व इतिहास मैंने पढ़ा है, विश्व इतिहास और भी लोगों के हैं, जनरल माथुर के हैं,
लेकिन जो सबसे अधिक इंटरेस्टिंग है, जो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करता है एक उपन्यास की तरह, वो डॉक्टर वीडी महाजन का इतिहास था। जैसा कि मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगी कि जब वो नेपोलियन के बारे में लिखते हैं डॉक्टर वीडी महाजन, तो साथ में जब जो जोसेफ हाइन को लिखा हुआ उनका लव लेटर लिखते हैं, उसको पढ़ के जो आत्मा है बड़ी प्रसन्न हो जाती है। तो लगता नहीं है कि हम इतिहास पढ़ रहे हैं, उस समय लगता है कि वास्तव में हम एक हिस्ट्री पर बेस्ड एक नॉवल पढ़ रहे हैं, और वो हमको पढ़ने के लिए एनकरेज करता है। हम हमेशा पेरेंट्स को टीज करते थे थोड़ा सा कि बिकॉज माय मदर वाज अ बिग फैन ऑफ नेपोलियन, एंड उनकी लाइब्रेरी में भी जोसेफिन की सारी बुक्स जो थी, तो वी ऑलवेज यूज्ड टू से। और पिताजी को यूरोपियन हिस्ट्री का बहुत ज्यादा शौक था, और डीएनए में तो पता नहीं है या नहीं, लेकिन हाँ बहुत बचपन से कहानियां सुनते थे, डाइनिंग टेबल पे खाने बैठते थे तो पिताजी शुरू हो जाते थे व्हेन लॉर्ड किचनर कॉन्क्वर्ड द सुदान, तो फिर उसकी पूरी स्टोरी ऑफ द लॉर्ड किचनर्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सुदान वो पूरा वो है। तो हाँ इंस्पिरेशन तो है। मैंने बहुत कोशिश की रंजना जी भागने की, मैं नहीं चाहती थी कि अब घर में जो हो रहा है वो मैं भी उसी में एक आगे, मेरी दीदी भी थी बड़ी, तो लेकिन मैंने फिर स्कूल के बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा, मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ा, और लेकिन मुझे दिलचस्पी जो थी वो हिस्ट्री में थी, तो फिर कर कर आके मैं किसी तरह से फिर जेएनयू में आई, तो बस फिर जैसे हुआ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका बहुत ही शानदार उद्बोधन रहा। हमारे जितने भी श्रोतागण हैं उनके बड़े पॉजिटिव कमेंट भी हमको इस पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा आपको सुन करके। अब आपके जो उद्बोधन है उस पर विमर्श करने के लिए हमने लगभग 15 मिनट का समय रखा हुआ है, तो जो भी उपस्थित श्रोतागण है वो इस पर कुछ अपनी चर्चा करना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। मैडम मेरा एक क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। ये सही है सुचेता जी मैम कि ओरल हिस्ट्री के बिना हम ना लिटरेचर पढ़ सकते हैं और ना ही हिस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हैं, वो जैसे लगता है कि जान। लेकिन ये मैं जरूर सोचती हूँ अपना, जब मैं खुद लिटरेचर पढ़ रही होती हूँ और जो भी, चाहे ग्रीक लिटरेचर हो चाहे लैटिन लिटरेचर हो, और अपना इंडियन लिटरेचर तो पूरा ही पुराना जो है वो ओरल उस पे ही बेस्ड, तो मैं ये जरूर सोचती हूँ कि जब अगर इसको हिस्ट्री ही फॉर्म देते हैं तो इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी रह जाती है। अभी भी हम किसी के मुंह से बात, एक बात दूसरे मुंह तक पहुंचते पहुंचते चेंज हो जाती है, एक घटना दूसरे व्यक्ति जब बोल रहा होता है तो चेंज हो जाती है, तो इसकी कितनी ऑथेंटिसिटी होती है जिसको हम हिस्ट्री की फॉर्म देते हैं, क्योंकि हिस्ट्री इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, इट्स डिफरेंट फ्रॉम लिटरेचर। वहां पे भावनाएं जो है, इमोशंस जो है, उनकी बहुत वैल्यू है, बट हिस्ट्री में इस तरह की कोई भी चीज नहीं। तो ये मैं जरूर जानना चाहती हूँ। हाँ चारू जी, जैसे पहले भी बात हुई थी, जैसे मैंने कहा कि अब अगर हम ये समझे कि जो रिटन वर्ड है हम उसको भी का विश्लेषण करते हैं, हम अगर एक आदमी कुछ कहता है किसी बारे में कितने इंटरप्रिटेशंस हैं। रोशोमोन जो फिल्म है आपके बारे सुनाई है कि एक कोई भी इवेंट है, कोई भी वाक्य है, उसके कितने व्यूज प्रेजेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन। आजकल तो लिटरेचर में, फिल्म में कई बारी ओपन एंडेड फिल्म रह जाती है, तो अब मेरे को लगता है जो कंसर्न है ना वो इतना फैक्ट को लेकर नहीं है, क्योंकि फैक्ट का जो मीनिंग है वो ही बदल चुका है। फैक्ट वो है, क्योंकि जब मैं कुछ खोजने जाती हूँ ऑलरेडी मेरे मन में कितनी चीजें हैं उसके बारे में कि व्हाई डू आई सर्च फॉर दैट फैक्ट इन एक्स प्लेस एंड नॉट वाई प्लेस। उसी में एक चॉइस आ गई है, जो टूल्स मैं ले गई हूं उसको खोजने के लिए, अगर मैं किसी लाइब्रेरी में मान लो जा रही हूं, मेरे पास कुछ पेन है, पेंसिल है, या मेरे पास आई एम टेकिंग अ टुडे, यू कैन से
कि जो हम वी टेक अ पिक्चर अ फोटोग्राफ हम ले लेते हैं तो हम पूरा इमेज हमें मिल जाती है, जो कि हम पहले केवल उसके नोट्स लेते थे. वी कुड नॉट बी एज क्लोज टू द ओरिजिनल. इसका ऑथेंटिसिटी का आंसर तो एक ही है, एवरी फॉर्म ऑफ टेस्टिमनी वेदर इट इज रिटन ओरल विजुअल मटीरियल जो भी आप लें has its own limitations. We can, as a professional historian, it is our job. It is our job to, if we want to, it depends on our purpose. Supposing hum चाहते हैं कि एक मल्टीपल वॉइसेस आए. एक किसी की आवाज आ रही है. जी जी साइलेंट हो गया. चॉप कर लेंगे हम. तो वी डिपेंड्स ऑन द व्हाट इज आर ऑब्जेक्टिव. इफ सुजेता मैम हाँ जी तो डोंट यू थिंक एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन द हिस्टोरियन. ना वो तो सम कंसीडर वन ओरल यानी टेस्टिमनी एज ए राइट अनदर कंसीडर इट एज ए रॉन्ग. सो देयर इज अ लॉट ऑफ यू नो टसल बिटवीन दीस टू व्यूज. तो वी कांट से सर बट सर वी कांट से दैट दिस थिंग इज ऑथेंटिक. दिस वाज माय क्वेश्चन ओनली. तो डिपेंड अपॉन द हिस्टोरियन एंड हिज व्यूज. But let me, that is why, let me give an example. There are some volumes, they are very authentic, they are called Transfer of Power volumes. They are published by His Majesty's Stationery Office, that means Government of Britain, where the classified documents of the last years of British rule, the private papers of Mountbatten and all, they have all been published. Now, when Mountbatten came out to India in March 1947, one of the things he did was he invited the leaders of the important parties to come and meet him one by one. He said, I don't want to meet them together. But, fine. Now, when I started to see the record of this meeting, it said on top, record of the meeting between Mountbatten and Rajendra Prasad. Okay. Yeah, correct. While reading in between over there, somewhere it came, this idea, this fact came out, that Mountbatten, in order to further establish his one-to-one whatever with the leaders, he asked his secretary to leave the room. The secretary used to take down the minutes. So now, how were the minutes taken? Mountbatten cannot take the minutes if he's having a conversation. How were they taken? After the meeting was over, Mountbatten called his secretary and dictated, like lawyers dictate, he dictated a record based on his memory of what happened in that meeting. Problem came when he met Jinnah, Muhammad Ali Jinnah. He met Muhammad Ali Jinnah at a time when there was a proposal that Mountbatten should be the joint governor general of India and Pakistan, and then there can be a joint defense council, and you know, ho sakta hai, partition nahi ho, kuch joint wagara kuch ho jaye. Lekin Mountbatten is shocked that when Jinnah comes, Jinnah was a very vain person in some ways, and he was right in wanting the governor generalship. Why should he give to Mountbatten?
So when he came and he said, look, I have been, this is a proposal. I will be Governor General of Pakistan and I will be Governor General Mountbatten said of Pakistan, of India. And in this way, we will be able to keep the countries united. Jinnah Saab said, no, no, no. I am going to be the Governor General of Pakistan. Mountbatten was so angry. Please read the record of that interview. He does not say anything about his anger. But he has written over there, Jinnah is a megalomaniac. Jinnah cannot, you know, did not do any. He only wants every post for himself. He wants to be Governor General. So the whole, this is now, as I said, a classified document. It is published, but it has the stamp of His Majesty's government, the stationery office. Okay? And we do not question the authenticity of this document because it is a written word. So all I'm saying is, Jahangir Sultan Ji, zara aap apni shakal to dikhaye. Ye to maine bahut, ye aapne jo quotation dala hai. Yes, ma'am. ये मैंने अपनी बुक में भी यूज किया है ये वाला ये कोटेशन मैंने अपनी बुक इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन में भी कहा है कि ही ओलिवर ट्विस्ट भी बोला था और एक और बहुत मैडम लिटरेचर की है चारू मैम उन्होंने कहा था कि ही इज लाइक जिन्ना के बारे में ही इज लाइक एन इनवर्टेड निकोबर यू रिमेंबर निकोबर डेविड कॉपरफील्ड में He is like an inverted former waiting to turn down. Ye kaha tha. Yes, ma'am. Ma'am, my submission is this only, that if Nishit Hazari is writing a document in Pakistan, and if Bipin Chandra ji is writing here in India, and then Dominic Lapierre is writing in a very different way, everyone has a very different type of version. Different versions are also there, only on partition. Nishit Hazari agar likh rahe hain, wo aur dhang se likh rahe hain. Yahan pe jo likha ja raha hai, wo aur dhang se, usme bhi differentiate hum kar sakte hain. Aur Dominic Lapierre likh rahe hain, to he is writing in a very different mood also. So, this okay. was... Main kehna chahta hoon. Ji, sir. Chandra ne ek tarah ke itihas likha hai. भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास उनका एक नजरिया था जिसको हम सब पढ़ के बड़े हुए थे सुचेता जी और मैं एक ही क्लास में पढ़े थे और एक ही लेक्चर सुन के हम पढ़े हुए थे लेकिन एक थे उसके बाद का अपना इतिहास लेखन बदलता है जो सुचेता जी ने इसके बारे में इशारा किया था कि कैसे उनकी भाषा या उनकी जो समझ जो है वो बदलता है मेरे ख्याल से बात कही जा रही है कि ये सही है या ये गलत है बात ये कही जा रही है अलग अलग दृष्टिकोण बिल्कुल जो सड़क साफ लोग हैं वो जब स्वाधीनता संग्राम में भाग लेते हैं उनका क्या अनुभव था उनका क्या नजरिया था उसको जब आप जानते हैं तो आपका नजरिया भी बदलता है चाहे आप माउंटबेटन के आदमी हो या आप जवाहरलाल नेहरू के आदमी हो मगर मुद्दा यह है कि आपका नजरिया बदलता है आप वही चीज दोहरा नहीं सकते जो आपने पहले लिखा इसी बात मुझे लगता है थैंक यू सुबू बहुत अच्छा था डॉक्टर साहब एक्सक्यूज मी सर एक्चुअली ओरल टेस्टिमोनी के लिए जो हमारे नजरिया है बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं ओरल टेस्टिमोनी I have one example to cite. In Aligarh, I am from Aligarh Muslim University, myself Manavendra Pundi. In Aligarh, I have recorded one testimony of Mr. Sardar Mahinder Singh. Or he narrated how his family was massacred by the Baluchi army, how he escaped as a 8-year small kid. And when I take this oral testimony, Some of my colleagues, they have raised the objection. So, look, don't include it in this. It may be possible that it is having some exaggeration,
मे बी बिकॉज ऑफ द पर्सनल मेमोरी या पर्सनल यू कैन से सम सॉर्ट ऑफ द हेट्रेड टुवर्ड्स दिस पार्टीशन व्हाटएवर यू मे कॉल बट यू नो दिस टाइप ऑफ द पर्सनल ऑब्जर्वेशन या यू कैन से इट्स अवर ड्यूटी बींग ए हिस्टोरियन टू एक्सट्रैक्ट द हिस्टोरिसिटी फ्रॉम दैट In my department, nobody is attempting to scan the acts of the Baluchi army. No, but they have having their own reservation. So don't include this oral testimony in the history. Otherwise, it creates a hatred. It creates a lot of, you know, other type of the things. But then I'm not true to our sources. And, you know, when we have a lot of playing with these sources, we always take the help of our so-called ideology, so-called different streams. So what was happened in the fight of these streams, in the fight of these ideologies, who is the victim? Ultimately, the source is the victim. So, Cheta ma'am, are you agree with my point of view? It's a problem. I would say it's a problem. And sometimes, you know, what we do is we try to balance. Supposing you have given one instance of the Muslims butchering the Hindus. Earlier, you know, we used to communist writing mein ye bahut hota tha. Bhisham Sani ji ne Tamas mein, if they have shown Hindus being slaughtered, then there is an incident where Muslims will also be shown in a, you know, similar thing. So this issue is there. When the histories are of conflict, I raised it right in the beginning, what Ernest Renan said, you know, that how this fine balance between remembering and forgetting, you know, what do you remember? Oh, yeah. What you forget? How you can move on? These are very difficult issues, but I agree with you, they need to be engaged with. We cannot say that, no, you know, this is a problem area, so we don't this thing. One of the best museums I have seen in the world, I have a lot of interest in museums for various reasons, is the museum of in Hiroshima, the museum, Holocaust museum there. And it is so beautifully done in a Japanese style, so understated. Aapko matlab wo hila deta hai. वो पूरी इतनी बड़ी बड़ी फोटो नहीं है जिसमें दिख रहा है कि कैसे बॉडी स्प्लिट हो रही है. एक बच्चे की एक चप्पल है, एक भागते हुए बच्चे की एक छोटी सी चप्पल है, एक एक बच्चे का खुला हुआ टिफिन है जो वो क्लास में उसके रह गया है, उसका आधा खाना जो नहीं खाया गया. तो वो इस तरह से इतने, मतलब क्या कहें, इसमें भी एक इमेजिनेटिव और पोएटिक तरीके से ही, क्रिएटिव आई शुड से, इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव तरीके से, सुबु एंड यू नो रश्मि एंड ऑल, दिस इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग, टेलिंग, नॉट जस्ट टेलिंग हिस्ट्री बट डूइंग हिस्ट्री एंड लर्निंग हिस्ट्री क्रिएटिवली एंड इमेजिनेटिवली. ये तो चैलेंज है, जरूरी है. अब हम कार्यक्रम के अगले सोपान की ओर बढ़ते हैं. यहाँ पर एक थोड़ा सा विमर्श मैं भी देना चाहूंगी. मेरा ये व्यक्तिगत रूप से सोचना है कि हर व्यक्ति के पलने बढ़ने का एक माहौल होता है और वो कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा से प्रभावित होता है और वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वो अपनी विचारधारा से प्रभावित है. तो कहीं ना कहीं राइटिंग्स में भी वो विचारधारा प्रभाव डालती है. लेकिन इतिहास का एक सिद्धांत है, इतिहास अगर कंटेम्परेरी जो रिसोर्सेज होते हैं उनके साथ कंपैरिजन करके ही इतिहास को लिखा जाता है. सिर्फ किसी एक ही चीज को लेकर के इतिहास नहीं लिखा जाता. तो कंटेम्परेरी रिसोर्सेज अगर उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो ऑथेंटिक है, और अगर नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो ऑथेंटिक नहीं है. जहां तक ऑथेंटिसिटी को मापने का नजरिया है, इतिहास में तो यही दिखाया गया है कि हमारे पास अदर सोर्सेज भी होना चाहिए जिनसे हम कंपैरिजन करें. एक एग्जांपल हम देना चाहते हैं, मान लीजिए ये है आपका सलीम अनारकली का. सलीम अनारकली के एग्जांपल की जहां बात है मिडिवल हिस्ट्री में, तो उस समय के जो भी बुक्स हैं बहुत लिखा गया. सबको पता है कि सल्तनत काल में और मुगल काल में जितना लिखा गया उतना तो मुझे लगता है आधुनिक काल में भी इतिहासकारों ने नहीं लिखा. कंटेम्परेरी उसी टाइम पीरियड में लिखने की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि
राइटर्स को रॉयल पेट्रोनेज मिलता था, लिखने के पैसे मिलते थे। उन लोगों ने जितना लिखा हुआ है उतना मुझे नहीं लगता कि मॉडर्न हिस्ट्री में भी किसी ने लिखा होगा, लेकिन हमको सलीम अनारकली के बारे में कहीं किसी भी पुस्तक में कोई भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता है, तो ये मान लिया जाता है कि टोटली मनगढ़ंत घटना है। ऑथेंटिसिटी इसी प्रकार से उस बात की सिद्ध की जा सकती है कि वो घटना सही है या गलत है, क्योंकि कंटेम्परेरी सोर्स। इसी प्रकार से ब्लैक होल की घटना के बारे में भी अंग्रेज राइटर्स अलग बात करते हैं और दूसरे राइटर्स अलग बात करते हैं, इंडियन राइटर्स, इंडियन रिसोर्सेज में तो कहीं उसका उल्लेख ही नहीं है। तो अंग्रेजों ने तो अपने हिसाब से ही उस घटना को लिखा हुआ है हमको कलंकित करने के लिए और अपने आप को महिमामंडित करने के लिए। तो ये चीजें प्रभावित करती है। कंटेम्परेरी सोर्सेज जो अवेलेबल है उनका बहुत माइन्यूटली अगर हम स्टडी करेंगे तो हमको पता चल जाता है कि चीज कितनी ऑथेंटिक है और कितनी नहीं है। अब इसके बाद मैं कार्यक्रम के अगले चरण की ओर बढ़ती हूँ और अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं डॉक्टर प्रोफेसर सी एन सुब्रमण्यम जी को आमंत्रित। मैम एक बार फिर से मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा। हमारे बीच CIHRF के मुख्य संरक्षक चीफ पैट्रन डॉक्टर पूरन सहगल सर मौजूद हैं और चूंकि वो लोकल हिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट रखते हैं, ओरल हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं और उनका अपना नजरिया है, तो मैं चाहूंगा कि आप उन्हें आमंत्रित करें, 2 मिनट के लिए वो अपना उद्बोधन हमारे बीच देंगे। जी सर, जी सर। डॉक्टर पूरन सहगल सर। जी 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 सर, सर जी आपका स्वागत है। जी सर जी जी, सहगल सर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप तो इस संस्था के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं तो पहले मिनट से ही आपको एक्सपेक्ट कर रही थी लेकिन आप नहीं देखे मुझे, अब आप मुझे देखे हैं। मैं आपका अभिनंदन अभिवादन करती हूँ और कृपया अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। मित्रों, अभी हम लोगों ने बहुत ही विद्रोहपूर्ण एक बहुत ही मैं क्या कहूँ इतना अच्छा वक्तव्य हमारी बहन महाजन जी ने दिया। डॉक्टर महाजन जी का मैं बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी भाषा में, इतनी सरल भाषा में अपनी बात कही। वाचिक जो परंपराएं हैं इज नॉट ऑडिबल, आवाज नहीं आ रही है सर जी, शायद आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं। एक मिनट जी सर। जब हम एक व्यक्ति का इतिहास जानते हैं, जब हम स्थानीय स्थान का इतिहास जानते हैं, ऐसा लगता है कि हमने पूरे उस परिवार का इतिहास जान लिया। जब पूरे परिवार का इतिहास जानते हैं तो हमें लगता है कि हमने एक रेंज, एक शाखा को हमने समझ लिया है। इसलिए उन्होंने इंगित भी किया है, मैं उनका आभारी हूँ, कि हम जब तक वाचिक परंपरा से नहीं जुड़ेंगे, यहाँ की लोक कथाएं, लोकगीत, लोक किंवदंतियां, जिनमें की इतना बड़ा इतिहास पड़ा हुआ है स्थानीय, वो स्थानीय हमको, स्थानीय इतिहास जो है हमको राष्ट्रीय इतिहास से जोड़ने का मार्ग निर्देशित करता है। एक उदाहरण देता हूँ, हमारे पास एक गांव है भाटकड़ी, ठिकाना है राजपूतों का, चंद्रावत राजपूतों का। वहां पर मैं बार बार एक दोहा सुना करता था, तो वो दोहे का अर्थ मैंने कभी समझा नहीं कि ये दोहा क्या कहना चाहता है। देखिए, एक दोहे में कितना बड़ा इतिहास छुपा है। भली करी रे गिरधरा, चूंडा ऊपर चोट, अख्तर बख्तर झड़ पड़ा, जड़ियां खेले डोट। अर्थ यह होता है कि अरे चंद्रावत, अरे गिरधर, तुमने ऐसा वार किया उस चूंडावत पर कि उसके जो बख्तर थे बिखर गए और उसका सिर जो था वो एक गेंद की तरह, एक फुटबॉल की तरह इधर उधर लुढ़कता फिरा। अब मैंने कहा ये बात तो ठीक है लेकिन इसके पीछे इतिहास क्या है। मैंने उस इतिहास को जाना, उस इतिहास को समझा, तो उसको समझने के बाद में दो ठिकानों का इतिहास पूरा जुड़ करके एक बहुत बड़ा इतिहास बन गया। तो इस प्रकार से हम जो लोकल हिस्ट्री में जाएंगे, जब हम स्थानीय इतिहास को देखेंगे, तो धीरे धीरे हमें बहुत सारी बातें ऐसी मालूम पड़ेगी कि हम बहुत कुछ आगे जान सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस है, बहन ने, महाजन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब तक हम लोकल हिस्ट्री से नहीं जुड़ेंगे, जब तक वाचिक परंपराओं से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम स्थानीय इतिहास को नहीं देखेंगे, जब वहां के जो
जो विशेष पुरुष हुए हैं, जो हैं या जो नहीं है, जो शेष हो गए हैं, उनके इतिहास को नहीं जानेंगे तो हम राष्ट्रीय इतिहास तक कैसे पहुंच सकते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इतिहास में आज भी हम जब पढ़ते हैं तब लग इतिहास कुछ बोल रहा है और लोकल हिस्ट्री कुछ और बोल रही है, वाचिक परंपरा कुछ और बोल रही है, लोक गायक कुछ और गा रहे हैं, लोक गाथाओं में कुछ और पड़ा हुआ है, किंवदंतियां कुछ और बोल रही हैं, लोक गीतों में एक एक शब्द ऐसा पड़ा है जिसमें इतिहास निहित है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ अंतिम रूप से धन्यवाद देते हुए कि चाहे इतिहास में गाथा नहीं हो लेकिन गाथा में इतिहास है, चाहे इतिहास में पुराण नहीं हो लेकिन पुराणों में इतिहास है। इसलिए हमें उन गाथाओं में से, उस वाचिक परंपरा में से इतिहास ढूंढना पड़ेगा और मैं उसी को शोध मानता हूँ। होता क्या है, हम लाइब्रेरी में बैठ करके, मेरे पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी, यहाँ बैठ करके मैं चाहूँ तो कुछ लिखता रहूं, लेकिन जब तक मैं स्थानीय लोगों के पास नहीं जाऊंगा, जब मठों पर नहीं जाऊंगा, जब आसन और मढ़ियों पर नहीं जाऊंगा, जब लोक गीतों पर को नहीं सुनूंगा, लोग जो हमारे लोग गायक हैं उनके पास नहीं जाऊंगा, तब उनके पास जाने पर जो उनके भीतर इतिहास बैठा हुआ है, कथाएं बैठी, राष्ट्रीय इतिहास की तरफ नहीं बढ़ सकता। हमें जोड़ना पड़ेगा, जोड़ करके एक नया इतिहास, नई दृष्टि से हमको देखना पड़ेगा। हमारी दृष्टि और हमारा दृष्टिकोण बदलना चाहिए। हमें इतिहास को देखने के लिए स्थानीय इतिहास से जुड़ना पड़ेगा। इतना ही कहता हूँ। फिर एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी बहन महाजन जी को, उन्होंने बहुत ही विद्वतापूर्ण और बहुत ही सरल तरीके से हमें अपनी बात कही है। बहुत बहुत आभार, और आभार मानता हूँ मैं संजय स्वर्णकार जी का कि जिन्होंने बहुत अच्छी की है, और हम इसी दिन बैठ करके एक चर्चा करेंगे, एक अच्छा इतिहास हमारे सामने आएगा, और जब वो संकलित होकर हमारे सामने आएगा तब हम समझेंगे कि हमने कितना बड़ा काम कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर जी बहुत शानदार उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही बात आपने कही है कि हमको पुस्तकों से, जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, या जो हमारी और भी अन्य बुक्स हैं, उनसे इतिहास हमको निकालना है। बिल्कुल सही बात आपने बोली है, और मुझे लगता है कि हम अब ओरल ट्रेडिशंस में, ओरल हिस्ट्री में उसी दिशा में शायद काम कर रहे हैं आगे चल करके। अब मैं अगले चरण में हमारे अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए प्रोफेसर सी एन सुब्रमण्यम जी को आमंत्रित करती हूँ। कृपया वो अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। नमस्कार, धन्यवाद संजय जी और बाकी सब लोग कि मुझे आपने जिम्मेदारी दिया है। बहुत ही सुंदर और बहुत मुझे लगता भावुक प्रेजेंटेशन था कि किस प्रकार एक इतिहासकार जब आम लोगों के बीच में करता है तो किस तरह के अनुभव से वो गुजरता है, ये देखने का हमें अनुभव मिला। शायद किसी का माइक चालू है बंद कर। मैं दरअसल चाहता था सुरेश मिश्र जी के अपने जो काम है ओरल हिस्ट्री के साथ उसके बारे में मैं कुछ, क्योंकि वो एक काफी प्रॉब्लमेटिक उनका रिश्ता था ओरल हिस्ट्री के साथ, जो मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो कई सारी विडंबनाएं जो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं उनसे जुड़ा हुआ है। उससे पहले मुझे एक बहुत छोटी सी बात कहनी थी कि ओरालिटी और लिटरेसी सोर्स ऑफ हिस्ट्री जो है एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। मैं एक उदाहरण लेना चाहता हूँ, दो उदाहरण मेरे दिमाग में आते हैं। हम सब ने कहानी सुनी है शबरी के बेर खाने की, झूठे बेर खाने की कहानी। दरअसल रामायण में इसका उल्लेख नहीं है, और ये पहले बार प्रिंट में दर्ज होता है कल्याण कल्पस्वरूप पत्रिका में 1920 या 30 के करीब। रामायण में न तुलसीदास के रामायण में न वाल्मीकि के रामायण में झूठे बेर का प्रसंग है, लेकिन इतिहासकार जो रामायण का अध्ययन करते हैं वो मानते हैं ये 20वीं शताब्दी की मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, एक लोक परंपरा में लगातार बना हुआ है
कि ऐसे कुछ हुआ, एक आदिवासी महिला के साथ इस तरह की एक घटना घटी, तो ये एक लोक परंपरा है। हाँ, वो रामायण में दर्ज नहीं है, महाभारत में दर्ज नहीं है, या किसी भी ग्रंथ में दर्ज नहीं है, वो 20वीं शताब्दी में जाके दर्ज होता है। ऐसे ही एक प्रसंग है राधिका की, कृष्ण की प्रेमिका गोपी के रूप में राधिका को हम सब पहचानते हैं। आजकल जैसे मंदिर बनते हैं, राधा कृष्ण मंदिर बनते, लेकिन राधा का जिक्र जो है ना राम महाभारत में है, ना हरिवंश में है, ना भागवत पुराण में है, वो 16वीं शताब्दी से पहले किसी ग्रंथ में उसका उस तरह का उल्लेख भी नहीं, लेकिन उसके ट्रेसेस हमको लगातार मिलते हैं। दूसरी शताब्दी के प्राकृत साहित्य से लेकर लगातार एक पैरेलल परंपरा है जिसमें राधा और कृष्ण कान्हा उसमें कहा जाता है कि प्रसंग के उल्लेख के ट्रेसेस हमको मिलते हैं। तो ये जो रिमेम्बरिंग और फॉरगेटिंग की बात सुचेता जी ने कही वो इससे जुड़ता है। जो एक डोमिनेंट या हेजमोनिक जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, उन समुदायों का जिनका वर्चस्व है वो कुछ चीजों को भुला देना चाहते हैं। कुछ और तबके होते हैं समाज में, वो महिलाएं हो सकती हैं, वो दलित हो सकते हैं, आदिवासी हो सकते हैं, वो कुछ और चीजों को याद दिलाते रहना चाहते हैं। तो ये बात हमें ढूंढना पड़ेगा कि भाई उनकी जुबान हमको कैसे मिलेगी, उनकी आवाज हम कैसे सुनेंगे। एक ये बात। दूसरी बात जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है इस पूरे प्रसंग में, कि ओरल जो टेस्टिमनी है, ओरल एविडेंस है, मीन 20वीं शताब्दी में कोई घटना घटी उसका जरूर ठीक है, हम डेट भी कर सकते हैं और उसको रिकॉर्ड भी कर लेंगे, मगर आमतौर पे एक इतिहासकार के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि ओरल एविडेंस को डेटिंग नहीं कर सकते हैं आप, है ना। कि मान लो आपको गोंडों के बारे में कुछ वक्तव्य मिल रहा है लोक परंपरा में, आप कैसे तय करेंगे कि ये 20वीं शताब्दी में पैदा हुआ कि 16वीं शताब्दी में पैदा हुआ, आप डेट नहीं कर सकते हैं। दूसरी समस्या उसके साथ है कि वो लगातार बदलता है, चेंज जो है वो ओरल ट्रेडिशन का निहित है उसमें। ओरल ट्रेडिशन मतलब उसमें चेंज होना ही होना है। वो पार्वती अम्मा की बात उन्होंने कही, मुझे लगता है उसी पार्वती अम्मा से 3 महीने बाद आप जाके वही इंटरव्यू लेते तो शायद उनके मन में कोई और बहुत सारी नई बातें आ जाती, क्योंकि उनका फ्रेम बदल गया, अपने ही काम अपने ही जीवन को देखने का फ्रेम बदल गया, तो शायद वो बिल्कुल नया बयान आपको देती 3 महीने बाद। तो ये जो ओरल हिस्ट्री के साथ, ओरल ट्रेडिशंस के साथ एक इतिहासकार के लिए समस्या है कि वो एक तो डेटिंग समस्या है, दूसरी उसकी बदलता स्वरूप समस्या है। तो इतिहासकार जैसे आप लगातार कह रहे हैं भाई ये ऑथेंटिक है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि हम कैसे माने, ये समस्या एक इतिहासकार को जूझना पड़ता है। इसी से मैं जोड़ना चाहता हूँ सुरेश मिश्र जी की जो डायलेमा थी उससे मैं जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि सुरेश मिश्र जी पहले उनका प्रामाणिक किताब है गढ़ा मंडला के गोंड राजाओं पे, गढ़ा के गोंड राजा शायद उनका पहला किताब है, 1984 या कभी छपा था वो। तो उसको रिवाइज करते समय उन्होंने मेरे से कहा कि मेरे पास एक अद्भुत सोर्स मिला है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं इसको क्या करूं। सोर्स क्या है, उनके घर में मंडला में जो मांगने वाले आते हैं वो गीत गाते थे, जो उन लोगों ने जो गीत गाया उसमें अचानक उनको कुछ शब्द दिखे जो गोंड राजाओं से संबंधित था, तो फिर उन्होंने रोक के उनको रिकॉर्ड किया और फिर उनको खोजते खोजते एक पूरी परंपरा परफॉर्मिंग आर्ट्स की परंपरा दिखी, इसको गोंडवानी नाम दिया गया है, पंडवानी शब्द ज्यादा लोग प्रचलन में, गोंडवानी कम लोग जानते हैं। गोंडवानी में एक व्यक्ति गा के सुनाता है गोंड राजाओं के यश गीत, चाहे वो रानी दुर्गावती हो, प्रेमल शाह हो, हृदय शाह हो वगैरह, पर इसके साथ साथ उस पूरे कथन में गोंडों के अपने बारे में, गोंड समाज के बारे में, इतिहास में गोंड समाज की भूमिका के बारे में, दुनिया में गोंड समाज के बारे में और पूरे ब्रह्मांड में गोंड समाज की स्थिति के बारे में उसमें एक वक्तव्य।
तो मिश्रा जी उससे बहुत परेशान थे कि ये इतना अद्भुत सोर्स है, लेकिन मैं उनकी ट्रेनिंग, जैसे किसी ने शुरू में कहा था कि वो रांके वाले स्कूल से ट्रेन हुए थे कि भाई हमको तो डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट में सही मिलना चाहिए, फिर हम लिखेंगे, मेरे डॉक्यूमेंटेड नहीं है, कोई मौखिक है। तो फिर उन्होंने अपने किताब में एक परिशिष्ट जोड़ा, जैसे सुचेता जी ने पहले भी कहा था कि भाई हम मौखिक परंपराओं को परिशिष्ट में ही जगह दे पाते हैं, क्योंकि वो मेथोडोलॉजी का एक सीमा है, जो आम लोगों की जो वक्तव्य है उसको हम परिशिष्ट में ही शामिल कर पाते हैं। ये वास्तविकता की सीमा नहीं है, ये हमारी पेशे की सीमा है, पेशे की मजबूरी है। लेकिन फिर उनके साथ मेरा काफी समय संवाद होते रहा, फिर उन्होंने मेरे से कहा कि आपको लगता है कि इसका बेहतर उपयोग कर सकते हो, तो आप ही क्यों नहीं इसको इस्तेमाल करते हुए लिखो। तो फिर उन्होंने मेरे से आग्रह किया कि उनके किताब में एक चैप्टर मैं लिखूं, जो आमतौर पर कोई करेगा नहीं, मैं तो ऐसे छुटवाई आदमी था। तो उन्होंने मेरे को पकड़ के बोला कि भाई आप इस पे एक लिखो। वो चाहते थे तो मेरे से बात सुन के वो खुद वो लिख सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि मैं लिखूं। ये मिश्रा जी की एक खासियत थी, लोगों से लिखवाने में बड़े माहिर थे। तो उसमें मैंने कोशिश की ये देखने की कि गोंड राजाओं के बारे में एक खास समस्या थी कि ये गोंड राजा थे, ये गोंड राजाओं ने कभी नहीं कहा, ये उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं गोंड हूं। हाँ, ये गोंड राजा थे, ये मुगलों ने कहा, ये मराठों ने कहा, अंग्रेजों ने कहा, और लोक परंपरा ने कहा, गोंडों ने कभी अपने आप को गोंड नहीं कहा। बिल्कुल उसी तरह जैसे मुगलों ने अपने आप को मुगल कभी नहीं कहा, ये शायद लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि मुगलों के लिए मुगल कहना अपने आप को एक हेय दृष्टि था, ये ट्राइबल आदमी है। तो कोई भी ट्राइबल राज्य जो है अपने आप को ट्राइबल कहने से हिचकिचाता है, लेकिन वो ट्राइबल समुदाय उस राज्य को और अपने बीच में क्या संबंध देखता है, ये उस कहानी में उन लोगों के बयान में दर्ज है। और ये रिकवर करना एक पूरे इतिहास के नए पन्ने को खोलने, एक पूरे एक तरह कहते हैं ना भानुमति का पिटारा खोलने जैसे। और सुरेश मिश्र जी ने, जैसे मैंने कहा, वो असमंजस में थे कि मेरे जो ट्रेनिंग है और मेरे किताब का जो फ्रेमवर्क है उसमें ये मैं बिठा नहीं पा रहा हूं। और याद कीजिए, उनको अपने ओरल हिस्ट्री और ओरल एक्सपीरियंस और स्थानीय और लोकल हिस्ट्री की बातें लिखने के लिए धर्मयुग का सहारा लेना पड़ा। धर्मयुग में वो लिखते थे कि ओरल हिस्ट्री के आधार पर उन्होंने जो चीजें पता की वो अपने स्टैंडर्ड हिस्ट्री राइटिंग में नहीं ला पाए, और उसका एक अलग संकलन उन्होंने छापा जिसमें तरह तरह की चीजें कांस्कार की और अपने गांव में जिस तरह के तीज त्योहार मनाए जाते थे वगैरह वगैरह वगैरह, उनको दर्ज करने के लिए उनको अलग मंच ढूंढना पड़ा। तो ये मेरे ख्याल से इतिहासकारों का सामने एक चैलेंज है, जो जैसे सुचेता जी ने हमें बहुत महत्वपूर्ण बात याद दिलाई कि ये जुड़ा हुआ है मार्जिनलाइज लोगों के पॉलिटिकल इमरजेंसी, उनके राजनीतिक अस्तित्व जब दर्ज होता है साथ साथ उनका इतिहास का अस्तित्व भी दर्ज होगा, उनके बयान भी दर्ज होगा। लेकिन इतिहासकार को नेगोशिएट करना है, इतिहासकार को तरीके और रास्ते ढूंढना उसका दायित्व है, इतिहासकार का ऐतिहासिक दायित्व है कि ओरल हिस्ट्री को हम कैसे जगह दें और उसको एक सेंट्रल पीस अपने इतिहास में बनाए। मुझे इतना ही कहना है, थैंक यू। बहुत ही सुंदर व्याख्यान था और कार्यक्रम भी बहुत अच्छा था, इतने सारे लोग अब तक 2.5 घंटे से सुन रहे हैं, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा था, थैंक यू। सर जी का बहुत शानदार उद्बोधन रहा, बहुत ही लपितुल शब्दों में, बहुत संतुलित, और समय का भी आपने पूरा ध्यान रखा। अब मैं आगे कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हुए डॉक्टर नीरज झा सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम के संबंध में हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी के लिए एक धन्यवाद ज्ञापन अर्पित करें। डॉक्टर नीरज झा सर जी,
धन्यवाद रजना मैम, आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर बिल्कुल। तो ये एक ऐसा मौका है खास करके प्रोफेसर मिश्र जी के निधन के बाद कि अभी भी हम लोग उस सामान्य अपने जो मूड में है अभी तक नहीं आ पाए हैं, क्योंकि उनको याद करना इस तरीके से अभी भी दुखद लगता है। फिर भी एक धन्यवाद करने की औपचारिकता और बनती है क्योंकि इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ है। तो ये मैं धन्यवाद CIHRF की तरफ से तथा प्रोफेसर सुरेश मिश्र के परिवार के सदस्य, उनके मित्र, उनके शिष्यों की तरफ से ज्ञापित करता हूँ आप लोगों के प्रति। तो सबसे पहले जो टॉपिक था वो जैसे कि प्रोफेसर सुब्रमण्यम ने बताया, उससे पहले सहगल साहब ने बताया कि एक ऐसा टॉपिक था जो उनके पूरे जीवन की जो एक तरह से शोध प्रक्रिया थी, अध्ययन की प्रक्रिया थी, उससे जुड़ी हुई तो उनकी उनके लिए मैं समझता हूँ एक अच्छी श्रद्धांजलि ये थी। और उसके साथ जो पूरा न्याय किया वो प्रोफेसर महाजन ने किया, सुचेता महाजन ने किया, आपको बहुत ही धन्यवाद। और मुझे लगता है कि जो चर्चा हुई उनके लेक्चर के बाद और उसमें जो बहुत सारे प्रश्न उठे, तो मुझे माफ कीजिएगा, उन्होंने जो लाइफ हिस्ट्री अप्रोच के बारे में बताया था उसको ध्यान से सुनना चाहिए था, क्योंकि उन सब चीजों का, उन सारी शंकाओं का समाधान पहले ही हो कर चुकी थी कि लाइफ हिस्ट्री अप्रोच कैसे जिस दुविधाओं की बात की थी वो सब उसका समाधान करता है। तो एक नया नजरिया जिसकी चर्चा सहगल साहब ने की, इतिहासकार की एक जो भूमिका होती है रिकग्निशन देने वाली बात कि पार्वती अम्मा कैसे अपने आप को रिकग्नाइज फील कर रही थी और उसका जीवन जो एक व्यर्थ जा रहा था उसको एक अर्थ मिला। तो इतिहासकार की एक ऐसी भूमिका है जिसकी तरफ हमारा ध्यान पहली बार गया कि इतिहासकार क्या कर सकता है, तो एक बहुत ही अच्छी बात और बहुत अच्छे अनुभव थे। और मैम को हिंदी में बोलने के लिए मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि वो पैशन, मुझे लगता है मैं अंग्रेजी में सुनता तो मुझे लगता है मैं क्लासरूम में बैठा हुआ हूँ, वो जो बात आई उसका कोई जोड़ नहीं था, नेचुरलिस्ट था। उसके बढ़ते आगे बढ़ते हुए जो अध्यक्षीय उद्बोधन हुआ उसकी भी चर्चा करनी बहुत जरूरी है, और उन्होंने काफी महत्वपूर्ण मुद्दों को छुआ, जैसे कि भूलने और याद करने के पीछे जो मंशाएं होती है, कस कैसे राजनीति होती है, उसके बारे में जो उन्होंने बातें की वो बहुत ही एक तरह से बहुत कम शब्दों में उन्होंने कहा। और जिस चीज को उन्होंने रेखांकित किया कि जो ओरल हिस्ट्री है, लोकल हिस्ट्री है, उसको कैसे हिस्ट्री के डिस्कोर्स में, डिसिप्लिन में सिचुएट किया जाए, अभी भी एक चैलेंज है क्योंकि एक नई चीज है। हालांकि मैं अनुभव करता हूँ कि भारत एक ऐसा देश है कि हम सभी इतिहास में रहते हैं। जब मैंने थोड़ा बहुत एंशियंट इतिहास हिस्ट्री के बारे में पढ़ा तो मैंने देखा कि मैं उसको अभी भी जी रहा हूँ, बहुत सारे जो रिचुअल्स थे उसको अभी भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम लोग हिस्ट्री से डिस्कनेक्ट हैं। और सबकी अपनी अपनी हिस्ट्री है जिसको जानने की जरूरत है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि जब हम लोग फोकटेल्स के बारे में पढ़ते हैं या अपने मैथोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, उसका ठीक एक अल्टरनेटिव मिलता जुलता स्टोरी जो है दलित समुदायों में भी है, और बड़ा आश्चर्यजनक होता है कि वो स्टोरी को बिल्कुल पलट देते हैं। जो हम लोग जानते हैं उसका एक अलग वही स्टोरी होती है, लेकिन उसका पूरा जो मैसेज होता है वो डिफरेंट होता है। तो बहुत सारी चीजें डिस्कवर करने के लिए अभी भी हमारे सामने है, और उसको जो डिसिप्लिन है उसको कैसे उसमें सिचुएट किया जाए एक चैलेंज है हमारे लिए, जिसकी तरफ सुब्रमण्यम साहब ने काफी मतलब इशारा किया और काफी बातें कह भी दी। आपको भी बहुत धन्यवाद। अब मैं थोड़ी बातें डॉक्टर पूरन सहगल के साथ करना के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने इनको पहली बार MLB कॉलेज के सभागार में सुना था, और मैं बताऊँ मैंने पार्टीशन पर ठीक ठाक पढ़ा है, मतलब जितने भी साहित्य उस पर मंटू हो, यशपाल हो, तमस जो और बांग्लादेशी का नाम भूल रहा हूँ, ये सारे साहित्य मैंने पढ़े हैं। लेकिन जब मैंने इनकी स्टोरी सुनी तो मेरे मतलब वहाँ हॉल में सभी लोग रो रहे थे, पार्टीशन का जो इनका अनुभव है जो उन्होंने भोगा है, तो बहुत ही मतलब रुमा मतलब क्या कहा जाए, वो एक असह्य कहानी सुनना था वो। तो सहगल साहब ने तो इतिहास को जिया है और लिखते भी हैं, तो मुझे लगता है इतिहासकारों को सहगल साहब से बहुत चीज सीखने की जरूरत है। और जिस तरह से उन्होंने बातों उठाई, व्यक्ति, परिवार, समाज, समुदाय, देश, ये लिंकेजेस जो है अभी भी मिसिंग है, उसको रिस्टोर करने की आवश्यकता है। तो ये हमारे बीच में है, ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता और गर्व की बात है कि सहगल साहब हमारे साथ उपस्थित होते हैं और अपनी बातें कहते हैं। सहगल के साहब के साथ जो हमारे अन्य संरक्षक हैं CIHRF के, डॉक्टर फवाद समीम, डॉक्टर मंजू दुबे मैडम, ये इन लोग की उपस्थिति से मैं बड़ा ही हमारी हौसला अफजाई होती है। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। संजय कुमार जी हमारे मित्र भी हैं और बहुत ही सदैव हुए इतिहासकार हैं।
इन्होंने जो एक बात शुरू में कही थी और मैं प्रश्न भी पूछना चाहता था लेकिन बातें ज्यादा निकल गई तो पूछ नहीं पाया, और मैडम सुचेता महाजन ने भी चर्चा की थी सेकुलराइजेशन ऑफ हिस्ट्री के बारे में, एक शब्द कह के उन्होंने छोड़ दिया, तो एक डाइवर्जेंस है, एक प्रोफेशनल हिस्टोरियन का जो पास्ट का अकाउंट है, एक जो पॉपुलर परसेप्शन ऑफ हिस्ट्री है उसमें काफी डाइवर्जेंस है, और काफी लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि बहुत सारे स्केलेटन्स हैं जो कबर्ड में हिस्टोरियंस के हैं और कभी कभी निकल भी जाते हैं, तो ये डाइवर्जेंस को जब तक एड्रेस नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता है सेकुलरिज्म का जो पार्ट है वो सही नहीं हो पाएगा। तो संजय कुमार जी को एक बैकग्राउंड बनाने के लिए बहुत ही अच्छा, सतपुली से वो बोल रहे थे, वहाँ पे क्लॉड भी थे लेकिन उनकी बातें भी नहीं आ रही थी, उन्होंने बहुत काम की बात हमारे सामने रखी, आपको धन्यवाद। और अंत में क्योंकि समय बहुत हो गया है, बातें बहुत की जा सकती थी, मैं संजय पहले दो महिलाओं के बारे में फिर संजय सोनकर जी के बारे में, रंजना मैम आपके उत्साह से हमें भी उत्साह मिलता है, आप काफी हर चीज को अच्छे से रखती हैं, और चारू चित्रा मैम आपकी जो एक ग्रेसफुल प्रेजेंस रहता है उससे भी हम लोग काफी अच्छा अनुभव करते हैं, आप दोनों को भी धन्यवाद, और आज भी जो आप लोगों ने किया उसके लिए धन्यवाद। अंत में डॉक्टर संजय सोनकर जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि वो बहुत ही अदम्य ऊर्जा के व्यक्ति हैं और उनकी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो कि उनके किसी भी काम से छिप जाती है, उनके एक काम इतना अच्छा होता है कि उनके दूसरे काम ढक जाते हैं, जैसे वो अरेबिक स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं और उनमें उनके उर्दू में के जर्नल में उनके लेख छपते हैं, तो हम लोग नहीं जानते इसके बारे में, कभी कभी चर्चा होती है तो बात निकल जाती है, तो उनमें बहुत तरह की प्रतिभाएं हैं और जो खास करके जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी है वो तो बेमिसाल है, कैसे करते हैं पता नहीं कौन सा जादू करते हैं, कोई संसाधन नहीं कुछ नहीं और कुछ कर जाते हैं वो, जैसे पिछले कोरोना में देखा था भोपाल में हुआ था ये हुआ था, तो उनको मैं धन्यवाद नहीं देना चाहता, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे बीच में है और हमें भी कुछ करने के लिए जोड़े रहते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरह एक बार अगेन विथ ग्रेट सेंस ऑफ रिस्पेक्ट आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी नीरज झा जी, मित्रता का धर्म भी निभाया और साथ में एक जो अकादमिक धर्म है वो भी आपने निभाया, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने अपनी बात रखी। मैं चूंकि धन्यवाद ज्ञापित हो चुका है इसके बावजूद मैं सुचेता मैम से कहना चाहूंगा कि मैम आपने जो हिंदी में यहाँ लेक्चर दिया है ना, कोई जवाब नहीं उसका, और जो एक शंका आपने प्रकट की थी मुझे लगता है वो शंका प्रकट करने की आवश्यकता नहीं थी, आप बहुत अच्छी तरह से हिंदी में हिंदी बेल्ट के लिए बहुत अच्छा व्याख्यान आप दे सकते हैं, और ये मैंने अलवर में जब प्रोग्राम हुआ था तब भी मैंने सुना था, वहां पर भी आपने हिंदी में अपनी बात बीच बीच में हिंदी में बात रखी थी, तो मैं कैसे शुक्रगुजार कहूँ आपसे, बस एक अनुरोध ये करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरह से स्थानीय इतिहास लोकल हिस्ट्री और ओरल हिस्ट्री के बारे में हमें मार्गदर्शन प्रदान करते रहें और हिंदी में लिखें भी जी, और सर का सजेशन आ गया है हिंदी में लिखें भी जी। सुब्बू सर हमारे साथ हैं, सर आपने निश्चित रूप से हमारा उत्साह वर्धन किया है और हमें एक दिशा दी है, आपने जो जो बात कही सुरेश मिश्र जी के बारे में कि जो एडिशन उनका निकल रहा था गढ़ा के गोंड राज्य का और उसमें आपका एक चैप्टर उन्होंने लिखवाया था, इसका जिक्र वो अक्सर किया करते थे, और मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, शायद आपसे भी चर्चा हुई होगी मिश्र जी की, जब थर्ड एडिशन इसका आ रहा था राजकमल प्रकाशन से, तो उस थर्ड एडिशन को भी उन्होंने रिवाइज किया था सर, और वहां पर भी वो ऐसे फैक्ट्स लेकर आए थे कि हमें बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि इतने लंबे समय से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और लगातार उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उनका हुनर था सर जिसको उन्होंने अपने लेखनी में प्रदर्शित किया, तो हम लोग सभी प्रोफेसर सुरेश मिश्र जी की काबिलियत को, उनके हुनर को, उनके लेखनी को सलाम करते हैं,
और जैसा कि CIHRF ने बीड़ा उठाया है और परिवार के सभी सदस्य जो उनके परिवार के सभी सदस्य यहाँ मौजूद हैं उनकी इच्छा के अनुरूप उनके दृष्टिकोण के अनुरूप हम प्रोफेसर सुरेश मिश्र जी की लेखनी को ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी तक पहुंचाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स आयोजित कर रहे हैं और ये हमने जो व्याख्यानमाला आयोजित की है हर महीने 22 तारीख को हम इस तरह का एक व्याख्यान राष्ट्रीय स्तर का आयोजित करेंगे और आज जिस तरह से आप लोगों ने स्नेह प्रदान किया है ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को सुना है इसी तरह से आगे भी हमें आप सभी लोग सहयोग प्रदान करते रहेंगे मैं संस्थान की ओर से CIHRF की ओर से और सुरेश मिश्र जी के परिवार के सभी सदस्यों की ओर से मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं शुक्रिया अदा करता हूं बहुत बहुत Very, very nice lecture. Very nice. Yes. बहुत शानदार कार्यक्रम संजय जी. बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. अच्छा करुणा मैडम अनम्यूट कर दीजिए. सुचेता मैम मैंने कहा कोरोना को ऐसे लग रहा है जैसे कहीं देखा है. जी देखा होगा मैम मैं पहले आती थी. अच्छा एमपी की प्रोग्राम्स में भी आई हूँ. अच्छा देख सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू संजय जी आपको बहुत बहुत बधाई शानदार कार्यक्रम के लिए बहुत अच्छे. थैंक यू आप सभी लोगों का सहयोग है. जी विनय जी सुब्रमण्यम सर का भी बहुत होमली सा एक अनऑफिशियल सा जो एक एटमॉस्फेयर अभी क्रिएट हो गया पूरे लेक्चर में वो बड़ा बहुत अच्छी बहुत अच्छा बहुत अच्छा. रंजना मैम को भी बधाई बहुत सारी. सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई. रंजना मैडम बहुत अच्छा संचालन किया. सभी लोग हर व्यक्ति ने अपनी अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई. सबको बधाई. थैंक यू वेरी मच मैडम. चारू मैडम को तो हम पहले भी सुन चुके हैं लेकिन बड़ा सौभाग्य कि रंजना मैडम संचालक की भूमिका में दिखाई दी. बहुत अच्छा संचालन रंजना जी ने आपने किया. बहुत बहुत बधाई आपको. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू वेरी मच विनय जी. ऐसे ऐसे जो उपाय है ना होते रहेंगे आगे. आपको और नए चेहरे मिलेंगे. और आज नीरज सर बहुत अच्छा बोले हैं. अलग से कर दिया है. उन्होंने पढ़ाया या नहीं मुझे नहीं मालूम. आपकी तारीफ नहीं मानी जाए क्योंकि बुराई कभी की ही नहीं आपने. नहीं आप नहीं भी कुछ नहीं कहते तब भी करती है. सच में सर हमारे स्टार तो संजय जी है. बस जब बोल रहे थे किसी की तारीफ मत कीजिए. एक बात बोलूंगी जिनकी वजह से हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं उनके बारे में एक पंक्ति बोलूंगी कि कैसी विडंबना है. कुछ लोग जीते जी मर जाते हैं और कुछ लोग मर करके भी अमर हो जाते हैं. सैगल सर आपकी अनुमति हो तो हम. हाँ तुमको मैडम कुछ बोलना चाह रही है. जी सर मैं बोलना चाह रही हूँ. मैंने पूरा वेबिनार बहुत अच्छे से सुना और इतना अच्छा सेमिनार बहुत अच्छा. और संजय सोनकार ने जिस प्रकार से पूरी मुस्तैदी के साथ में और हमारी बहन सोना जरा चारू चित्रा ने बहुत अच्छा बहुत अच्छा वेबिनार. आनंद हुआ और ईश्वर करे ये व्याख्यान माला चलती रहे. हम लोग हंसते रहे ठाके लगाते रहे. सबसे अच्छी बात ये है कि हम मतलब यदि कोई आ गया ना तो जा नहीं सकता फिर यहाँ से. सहगल सर जी एक बहुत ही सुंदर बहुत अच्छा. झा सर ने बोला कि आप पार्टीशन के बारे में आपने कुछ बहुत ही अच्छा उद्बोधन दिया. आपने अनुभव शेयर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया.
दो लोगों बहुत अच्छा मैडम, वो प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था और मेरे ख्याल से सलील मिश्रा जी ऐसे सर नहीं नहीं फिर एक बार बात करेंगे। सलील मिश्रा जी भी थे ऐसे होते हैं जिन्हें समय भी ठीक नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, समय बहुत बड़ा हकीम होता है और वो बड़े बड़े जख्म भर देता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नासूर बन जाते हैं। बिल्कुल सर, हमारे भीतर हैं, उनको संजो के रखा है, हमारी अमानत है हमारे उन वहाँ के मित्रों की, वो बनाए रखेंगे उनको और चर्चा करेंगे कभी अवसर आएगा। सर पार्टीशन वाला लेक्चर बाद में सुन सकते हैं क्या, कोई यूट्यूब लिंक वगैरह है उनका? जा सर मैं ये कह रही हूँ, नीरज झा सर आपने कह तो दिया है, वो ओरल ट्रेडिशन वाला क्वेश्चन मार्क अभी भी है मेरे उसमें हिस्ट्री के, वो रहेगा हमेशा डाउट मुझे रहता है, मैं बहुत बार पूछ चुकी हूँ भले कितने ध्यान से लेक्चर सुन लो। सुप्रिया मैम सतपुली के हिसाब से पूछिए, सतपुली के हिसाब से आइए आइए, कहाँ पर है आइए आइए आइए, सतपुली के प्रिंसिपल चरण स्पर्श। संजय सर बहुत देर बाद आए। नहीं मैं बिल्कुल सागर सर को पहले नमस्कार कर लूं और उनसे आशीर्वाद ले लूं और उसके बाद मैडम सुन रहा था और पार्टीशन और नैरेटिव ज्यादा मैं आपके रहा था आप और रंजन जी दोनों का, इसीलिए आवाज नहीं आ पा रही जी सर। नहीं बिल्कुल मौसम बहुत खराब है सर, लास्ट 3 days से सर लैंडस्लाइड हुआ है सर। सर माइक के थोड़ा पास आइए, 3 days से सर कंटिन्यूस रेन। हेलो आप सही है, बादल की ऊंचाई सर नीचे है, बादल से ऊपर है सर, लग रहा है आवाज रुक रहा है वो। नहीं सर प्रॉब्लम है, 3 दिनों से सर गेटअप बदल लिया आपने, टोपी वोपी लगाने लगे हैं। अरे सर ठंड है मैडम, ठंड है यहाँ पर, ठंड है। नहीं 22 degrees Celsius 22 ओके हाँ हाँ। आप सब लोगों को नमस्कार और इस एकदम से इस लगता है कि बौद्धिक श्रद्धा सुमन में हम सभी लोगों ने अपनी अपनी आहुति दे दी है। सागर सर और देख कर करके लगता है कि नहीं अभी हम लोग को और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। रंजना जी आपको मैं बहुत बधाई। बधाई तो यहाँ दीजिए, इधर फोन पर किसी ने कुछ बोला, बोल रही हूँ आपको बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छे से एंकरिंग की। संजय सर का तो पूरा योगदान है ही। के बाद भी ये जब इतना मुस्तैदी से काम कर रहे हैं ये किसी के बस की बात नहीं है। बहुत शानदार, बहुत ही सुंदर जुजा कर्मठ कार्य करता है वो सर। वो ये सोचिए वो किसको उत्तराधिकारी है, इन्होंने जिस आत्मबल से कोरोना को हराया है वो थोड़ा महत्वपूर्ण बात है, उसको अपने चरित्र में उस आत्मबल को तैयार करना पड़ेगा। बिल्कुल अद्भुत है रंजना जी के शानदार आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। ओके सभी को एक बार फिर से धन्यवाद और प्रणाम, नमस्ते, गुड नाइट सर, थैंक यू वेरी मच। एकदम हट जाते हो जी, ठीक है जाइए अभी आराम कीजिए। जी रंजना आपको कोई काम नहीं है, रिलैक्स बैठिए। सर में वायरल से ग्रसित हूँ और तुरंत उठ के बैठ ब्लड टेस्ट करवाने जाना है। अरे ये रंजना मैम ने मना कर दिया था ऐसे कि सर मैं तो ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी 22 तारीख को, तो मैं सुनता रहा और फिर उसके बाद मैंने कहा कि क्या मैं आपके कंट्रोलर से बात कर लूं या आपके प्रिंसिपल से बात कर लूं, तो बोले नहीं ठीक है मैं बात कर लेती हूँ फिर।
तो बात करके आज हमारे साथ बैठी हुई। आज मैं कॉलेज नहीं गई सर, मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज मैं कॉलेज नहीं गई, मैंने गोल मार दिया। तो आपने तैयारी भी अच्छी कर ली फिर बैठ के? सर 4:30 बजे के बाद की है, आपने 4:45 बोला है। क्या मैम, यदि आप बीमार हुए तो बोलो मत, देखने से लगता नहीं, लोग सुनेंगे झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं सर। बीच बीच में माइक ऑफ करके बहुत मैंने खांस लिया, छींक लिया, सब कर लिया। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा जी सर। उमेश मिश्रा जी सर के भाई मौजूद हैं अभी भी, मैं चाहूंगा कि थोड़ी चर्चा हो जाए। सर आप मौजूद हैं, सुन पा रहे हैं? नहीं है, मौजूद है, ज्वाइन किया हुआ है। उमेश जी हाँ। उमेश जी आपसे अनुरोध है कि 2 मिनट हम चर्चा करना चाहेंगे आपसे। माइक अनम्यूट करिए आप। ज्वाइन किए हुए हैं लेकिन शायद मौजूद नहीं है। चलिए चलिए सर, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय। संजय जी हाँ आ गए, उमेश जी आ गए उमेश जी जी। माइक अनम्यूट करिए, आपका माइक अनम्यूट करिए। हेलो सर, हाँ जी जी, नमस्ते उमेश जी। नमस्कार सर, सबको नमस्कार, मेरा भाई साहब की सारे लोगों ने याद दिलाई, इस तरह मैं भी शामिल होता रहूंगा। थैंक यू जी जी, बिल्कुल। थैंक यू। फाइनली संजय जी नमस्ते, बाय बाय। संजय कुमार जी नमस्ते, ले लिया। ओके सर, बाय। अनम्यूट यानी शुरू, ये अनम्यूट हो गया। और